This channel does not promote or promotion any illegal activities. All content provided by this channel is meant only for educational purpose only. हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड की सुपर स्टार सलमान खान की करियर की सबसे बड़ी मूवी जिसका नाम है किसी का भाई किसी का जान। तो दोस्तों, अगर आप भी सलमान खान की फ़ैन हो और अगर आप किसी का भाई किसी की जान मूवी को देखना चाहते हो और साथ ही साथ इस मूवी को बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को जानना चाहते हो तो इस वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना नाम भी ना भूलिएगा। किसी का भाई किसी की जान अनुवाद किसी का भाई किसी का प्रेम जिसे प्रभामिन कैया के नाम से भी जाना जाता है फराज सामजी की द्वारा निर्देशित और सलमान खान फिल्म की द्वारा निर्मित 2023 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है। फिल्म में सलमान खान पूजा हेगड़े वेंकटेश और जगपति बाबू ने सहायक कलाकारों को टुकड़ी के साथ अभिनय किया। यह फिल्म तमिल फिल्म वीरम 2014 की रीमेक है और किसी का भाई किसी की जान की सलमान खान के लिए ही और देवटंडी के लिए और कुछ प्राण सिंह की किसी का भाई किसी की जान की 21 अप्रैल 2023 को ईद की त्यौहार के मौके पर नाटकीय रूप से रिलीज हुई। फिल्म को समीक्षकों से मिश्रित समीक्षाएं मिली। किसी का भाई किसी की जान ने दुनिया भर में 60 से 47 करोड़ से अधिक की कमाई की है जो 2023 में एक हिंदी फिल्म की द्वारा चौथी सबसे कमाई है। इस खंड की विस्तार की जरूरत है, आप इसे जोड़कर मदद कर सकती है। भाई जान एक आत्मरक्षा परिचय है जो अपने भाइयों के साथ खुशी से रहता है और किसी के साथ विवादों को निपटाने के लिए हिस्सा का उपयोग करता है, लेकिन अपनी तेलुगु आधारित प्रेमिका की भाग्य लक्ष्मी के लिए अपने तरीके सुधारने का फैसला करता है। हालांकि भाईजान को पता चलता है कि भाग्य लक्ष्मी का परिवार राउडी आना के साथ अपने पिछले प्रतिद्वंदी के कारण मुश्किल में है और उनकी जानकारी बिना उनकी रक्षा करने के लिए निकल पड़ता है। निर्देशन की फरहान खान ने और अवतार के लिए ही समझे सामजी ने शुरुआत में 2014 की तमिल फिल्म वीरम को अक्षय कुमार के साथ बचपन के पांडे पहले ही टाइटल लैंड ऑफ लुंगी के रूप में रीमेक करने की मांग की थी। हालांकि बाद में उन्होंने बचपन पांडे की पटकथा को बदलकर एक और तमिल फिल्म जिगर ठंडा का रीमेक बनाया, जैसा कि नडियाडवाला ग्रेडेशन एंटरटेनमेंट के पास दोनों फिल्मों की रीमेक अधिकार थे। सामजी ने वीरम की कहानी को बदल दिया और सलमान खान को खड़ा कर दिया, जिन्होंने फिल्म को स्वीकार कर लिया। बाद में नडियाडवाला की परियोजना से बाहर चले गए और खान को अधिकार दे दिए, जिन्होंने फिर अपने बैनर सलमान खान फिल्म्स के तहत फिल्म बनाने का फैसला किया। फिल्म की घोषणा 10 जनवरी 2020 को कभी ईद कभी दिवाली शीर्षक के साथ की गई थी। हालांकि बाद में इसे लंबे समय के लिए स्थगित कर दिया गया था और 19 महामारी के कारण कई प्री प्रोडक्शन देरी का सामना करना पड़ा और बाद में इसे कथित सिंसा की भाईजान के साथ पुनर्जीवित किया गया कि हालांकि अगस्त 2022 में फिल्म की आधिकारिक सिंसा की घोषणा किसी का भाई किसी के जान के रूप में भी की गई थी। फरवरी 2020 में की गई थी कि किसी का भाई पूजा हेगड़े और वास की पूजा हेगड़े को महिला प्रधान के रूप में साइन किया गया था। दिसंबर 2021 में वेंकटेश की कलाकारों में शामिल हो गए। उन्होंने तकदीरवाला 1995 के बाद हिंदी सिनेमा में वापसी की फिल्म में खान की भाइयों की भूमिका निभाने के लिए जसली की गिल सिद्धार्थ निगम और राघवा जुयाल को लिया गया था। पंजाबी सिनेमा अभिनेत्री शहनाज गिल दक्षिण भारतीय
सिनेमा अभिनेत्री मालविका शर्मा, नौसिखिया पलक तिवारी और मुक्केबाज की राजनीति की विजेंद्र सिंह को साइन किया गया, जिसने फिल्म के साथ अपनी हिंदी फिल्म की शुरुआत की। जगपति बाबू को एक महत्वपूर्ण की भूमिका निभाने के लिए साइन किया गया था। आसिफ शेख को प्रमुख की भूमिका निभाने के लिए साइन किया गया था। रामचरण को एक विशेष उपसृष्टि के लिए चुना गया था। प्रधान फोटोग्राफी 12 मई 2022 को मुंबई में शुरू हुई, बाद में जून में प्रकाशन हैदराबाद चला गया। अगस्त 2022 में लचाक में कुछ हिस्सों के साथ एक गाना फिल्म आया गया था। फरवरी 2023 में फिल्म की शूटिंग पूरी कर ली गई थी। फिल्म का टीचर लिंक और 2023 के लिए ही फिल्म का टीचर 25 जनवरी 2023 को पठान के साथ रिलीज किया गया था। फिल्म का आधिकारिक का ट्रेलर 10 अप्रैल 2023 को जारी किया गया था। फिल्म को ईद के मौके पर 21 अप्रैल 2023 को नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था। फिल्म को दुनिया भर में 57 स्क्रीनों पर रिलीज किया गया, जिसमें भारत में 4500 स्क्रीन और विदेशी बाजार में 1200 स्क्रीन शामिल है। आलोचनात्मक की स्वीकारता, बॉलीवुड हंगामा ने फिल्म को 5 में से 35 रेटिंग दी और लिखा किसी का भाई किसी की जान सलमान खान की प्रशंसकों के लिए एक आदर्श की ईद उपहार है। फर्स्ट पोस्ट की गणेश की आग लवे ने फिल्म को 5 में से 35 रेटिंग दी और लिखा कि सलमान खान दमदार सवारों और बड़े पैमाने पर एक्शन दृश्यों को संयोजन के साथ स्वेग और अंतिम उपसृष्टि के साथ हमेशा स्क्रीन पर राज करता है। डीएन नए इंडिया के सिमरन सिंह ने फिल्म को 5 में से 3 रेटिंग दी और लिखा किसी का भाई किसी की जान एक सच्ची कहानी, बलू सलमान खान की फिल्म एक पूर्ण परिवार की मनोरंजन फिल्म की जिसकी उनकी प्रशंसकों ने कई वर्षों उम्मीद की थी। एक्शन ड्रामा रोमांस और कॉमेडी जो सलमान खान की फिल्मों को पैटर्न है, विशेष रूप से सलमान खान की एंट्री और वेंकटेश की लड़ाई और रामचरण का कैमियो उसे देखने के लायक बनता है। द टाइम्स ऑफ इंडिया की रौनक कोटेजा ने फिल्म को 25 रेट किया 5 में से और लिखा कि यह सलमान खान स्टार एक बार फिर अपने कट्टर प्रशंसकों के लिए गैलरी में खेलती है। यह क्रूर हिस्सा और ढेर सारे ड्रामा के साथ एक लार्जर देन लाइफ एक्शन है। स्क्राइनल की इन दोनों की हालांकि ही द वर्ल्ड की स्क्राइन इन ने लिखा कि प्रसार में सलमान खान की फिल्म के सभी विशिष्ट तत्व शामिल हैं, लेकिन उनकी पिछली कुछ फिल्मों की तुलना में आधी की विवेक प्रून की मात्रा में। द इंडियन एक्सप्रेस की शुभा गुप्ता ने लिखा हर सलमान खान का थका हुआ अकलापति की समामेलन की संस्करण। NDTV की सैबल चटर्जी ने विशाल अनुपात का उपहास लिखा था कि सुकन्या वर्मा ने फिल्म को 5 में से 1 रेटिंग दी है और लिखा सलमान खान अपनी फार्मूले की रट में इतने गहरे हैं कि उन्हें पता है कि कुछ और बंक करना है। मोनिका रावत हिंदुस्तान टाइम्स की कुकरेजा ने लिखा जोरदार और संवेदनहीन की सलमान खान का किंग पेस्ट का आपको कहता है कि इसे रोको भाईजान। द हिंदू की विशाल की शिलाजीत की मित्रा ने लिखा कि कष्टप्रद उदासीन और अपनी लुप्त पुत होते कि सुपरस्टार के लिए खाली सतुर्थ से भरा हुआ किसी का भाई किसी का जाते अपने पहले दिन भारत में 15 से 81 करोड़ मिलियन और विदेशों में 9 से 57 करोड़ मिलियन की कमाई की और 25 से 38 करोड़ मिलियन की कमाई की। 22 अप्रैल 2023 तक फिल्म ने भारत में 39 से 38 करोड़ की कमाई मिलियन की और विदेशों में 1 से 99 करोड़ मिलियन की कमाई की और दुनिया भर में 60 से 47 करोड़ मिलियन का सकल संग्रह किया। सलमान खान की प्रकटा
सलमान खान की पटकथा और लेखन सलीम खान और उनकी पहली पत्नी सुशीला चरक से बड़े बेटे है जिन्होंने सलमान नाम अपनाया था। 27 दिसंबर 1965 को एक मुस्लिम पिता और हिंदू माँ से जन्म खान का पालन पोषण दोनों धर्मों में हुआ। 1981 में जब सलीम ने अभिनेत्री हेलेन से शादी की तो उनके पिता के साथ बच्चों को संबंध शत्रुतापूर्ण हो गए और केवल वर्षों बाद ठीक हो गए। माना जाता है कि सलमान खान के दादा दादी अफगानिस्तान की अलाकोजई पश्तून थे जो 1800 के दशक की मध्य में इंदौर रज इंदर रेजिडेंसी की अब मध्य प्रदेश में ब्रिटिश भारत में आकार बस गए थे। हालांकि जसीम खान ने अभिनेता की अपनी जीवनी में कहा है कि उनके पूर्व उत्तर पश्चिम सीमांत के प्रांत ब्रिटिश भारत वर्तमान में खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान की स्वात घाटी में मलाकंद से यूसुफ अजय पश्तूने की अहुजाए उप की जनजाति के थे। उनके दादा अब्दुल रशीद खान इंदौर रजय की एक की उप की महानिरीक्षक थे जिन्हें होलकर की टाइम्स के दले जंग के पुरस्कार थे सम्मानित किया गया था। कि खान की मां एक गृहिणी है जिनके पिता बलदेव सिंह चरक एक डोगरा राजपूत जम्मू और कश्मीर में जम्मू से आते और जिनकी मराठी महाराष्ट्र से आती है। खान की हिंदी और अंग्रेजी के अलावा मराठी भी बोल सकते हैं। उनके दो भाई हैं अरबाज खान और सुहेल खान और दो बहनें अलवीरा खान अग्निहोत्री जिनकी शादी अभिनेता निर्देशन अतुल अग्निहोत्री से हुई है और एक दत्त बहन की अप्रीता। सलमान ने अपने छोटे भाइयों अरबाज और सुहेल की तरह मुंबई की ब्रांडों में स्टेट की स्टेटेनिस्लास की हाई स्कूल में अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की। पहले उन्होंने अपने छोटे भाई अरबाज के साथ कुछ वर्षों तक ग्वालियर सिंधिया स्कूल में अध्ययन किया। उन्होंने मुंबई स्टेट की जेवी वर्ष कालीन में पढ़ाई की लेकिन पढ़ाई छोड़ दी। शुरुआत और सफलता खान ने अभिनय की शुरुआत की 1988 की फिल्म बीवी हो तो ऐसी की जिसमें उन्होंने एक सहायक की भूमिका निभाई। उन्होंने सूरज आर बरजातिया की रोमांटिक परिवारिक ड्रामा मैंने प्यार किया 1979 में मुख्य भूमिका निभाई जो उस समय की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों से एक बन गई। इससे उन्हें ही सर्वश्रेष्ठ पुरुष की पदार्पण के लिए नामांकन के साथ फिल्म फेयर में अभिनेता के लिए अपना पहला नामांकन अर्जित किया। मैंने प्यार किया को अंग्रेजी में वह लॉकलॉस की स्पेनिश में तो ओमो और तेलुगु में प्रेमा पौरा के रूप में डब किया गया था। 1990 में खान बागी अभिनीत एक फिल्म रिलीज हुई जो बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। इसके बाद 1991 में 3 मामूली सफल फिल्में आई पत्थर के फूल सनम बेवफा लव और कुर्बान। उसी वर्ष खान ने रोमांटिक ड्रामा साजन संजय की दर्द और माधुरी त्रिजीत के साथ सह कलाकार के रूप में काम किया। 1992 में वह सूर्यवंशी जगृति के नीचे और एक लड़का एक लड़की में दिखाई दिए। यह वर्ष उनके लिए सफल वर्ष नहीं रहा क्योंकि चारों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर असफल रही। 1994 में खान राजकुमार संतोषी की अंदाज अपना अपना में आमिर खान के साथ दिखाई दी। अपनी रिलीज के समय फिल्म बॉक्स ऑफिस पर असफल रही लेकिन वर्षों में इसने एक क्लट का दर्जा हासिल कर लिया। बाद की वर्षों में उन्होंने निर्देशन की सूरज बरजात्या के साथ रोमांस हम आपकी है कौन सह कलाकार की माधुरी त्रिजीत 1995 की पुरस्कारों की मौसम के दौरान फिल्म ने फिल्म की निर्देशन और अभिनेत्री के लिए 3 फिल्मफेयर पुरस्कार जीते। इसने वर्ष की सबसे लोकप्रिय फिल्म होने का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी जीता। दुनिया भर में 2 मिलियन से अधिक की कमाई करने वाली यह फिल्म साल की सबसे बड़ी बॉलीवुड हिट और तब तक की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई। यह बॉक्स ऑफिस इंडिया के हिंदी सिनेमा में अब तक की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर की सूची में से एक है। बॉक्स ऑफिस इंडिया के अनुसार 2 से 6 में यह अब तक की चौथी सबसे अधिक कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म थी।
1995 में उन्होंने राकेश रोशन की करण अर्जुन में शाहरुख खान के साथ अभिनय किया। दो खेले गए भाई को जो परिवार के दुश्मनों के द्वारा मारे जाने के बाद पुनर्जन्म लेते हैं। करण के रूप में उनकी भूमिका ने उन्हें 1995 की फिल्म फेयर अभिनेता पुरस्कार के लिए नामांकित किया। 1996 में खान ने संजय लीला भंसाली की पहली निर्देशन फिल्म खामोशी द म्यूजिकल में प्रदर्शन किया। वह और राज कंवर की एक्शन हिट जीत में भी दिखाई दिए। 1997 में उनकी दो रिलीज हुई, जुड़िया और औजार, पहली देवी धवन की द्वारा निर्देशित एक कॉमेडी थी जिसमें उन्होंने जुड़वा बच्चों की दोहरी भूमिका निभाई थी जो जन्म के समय अलग हो गए थे। खान ने 1998 में 5 अलग अलग फिल्मों में काम किए। उनकी पहली रिलीज रोमांटिक कॉमेडी फिल्म प्यार किया तो डरना किया काजोल के साथ थी जो उस साल की सबसे बड़ी व्यवसायी की सफलताओं में से एक थी। इसके बाद मखियम की रूप से सफल नाटक जब प्यार किसी से होता है आया जिसमें खान ने एक युवा की भूमिका निभाई जिसे एक बच्चे को अपने कब्जे में लेना है जो उसका बेटा होने का वादा दावा करता है। फिल्म में खान की प्रदर्शन ने अनुकूल आलोचनात्मक की समीक्षा अर्जित की। उन्होंने करण जौहर की निर्देशन में बनी पहली फिल्म कुछ कुछ होता है मैं एक विस्तारित कैमियो को भी किया था और जिसने उन्हें आलोचनात्मक की प्रशंसा और सहायक की अभिनेता श्रेणी के तहत दूसरा फिल्म फेयर पुरस्कार अर्जित किया। 1999 में खान ने 3 फिल्मों में अभिनय किया, हम साथ साथ हैं, बीवी नंबर 1, हम और हम दिल दे चुके सनम में ऐत्रेय राय और अजय देवगन के साथ जिसने उन्हें फिल्म फेयर पुरस्कार में एक और अभिनेता का नामांकन दिलाया। फिल्म में उनकी प्रदर्शन की सकारात्मक की समीक्षा की गई जिसमें रेडिप की शर्मिला टेलीकूम ने कहा सलमान प्यारी है, वह नाटकीय दृश्यों में हैम करते हैं लेकिन कॉमेडी और उन रोमांटिक दृश्यों को करने में बहुत सहज दिखती है। 2001 में खान चोरी चोरी चुपके चुपके में दिखाई दिए जिसने सरोगेट बच्चे की जन्म की कुछ मूछों की संबोधित किया। इसमें खान ने एक अमीर उद्योगपति की भूमिका निभाई जो अपनी पत्नी की बाज हो जाने के बाद सरोगेट माँ को काम पर रखता है। रेडिप की सुकन्या वर्मा ने लिखा है कि फिल्म की कहानी बेतुकी है लेकिन इसमें कलाकारों की सहज प्रदर्शन भी है इससे कि इसकी अन्य खामियों को कम करने में मदद मिली है। 2002 में उन्होंने हम तुम्हारे हैं सनम में अभिनय किया। तेरे नाम 2003 के लिए तरण आदर्श ने उनके बारे में कहा सलमान खान एक ऐसी भूमिका में असाधारण है जो उन्हें टी के लिए उपयुक्त बनाती है। वह दूसरों में आ की सांस लेती है जो बेचैनी की मांग करते लेकिन कठिन भारी के नीचे एक कमजोर रहती है और यह पहलू अंतर है कि बाद की रीलों में विशेष रूप से सामने आता है उनकी भावनात्मक की विस्फोट। शानदार है निर्देशन की सतीश कौशिक ने फिल्म में खान के काम को मजबूत माना। इसके बारे में कहा सलमान ने फिल्म में शानदार प्रदर्शन किया है कि उन्होंने एक त्रियो की अपरंगात की प्रदर्शन दिया। मेरा मानना है कि यह सलमान की करियर का अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन है। उनका करियर मुझसे शादी करोगी और ना इंती जैसी कॉमेडी के साथ आगे बढ़ा। खान ने 2007 की शुरुआती कलाकारों को टुकड़े की फिल्म सलाम ए इश्क से ही वह अमेरिकी अभिनेत्री ऑली लटर के साथ हॉलीवुड फिल्म की मैरी गोल्ड में दिखाई दी। फिल्म में एक भारतीय पुरुष और एक अमेरिकी महिला की प्रेम कहानी बताई गई थी। खान ने 2009 के दौरान गेम शो 10 दम के दूसरे सीजन की मेजबानी की बीज एशिया यूके की 2008 की एक रिपोर्ट के अनुसार इस शो ने सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन के लिए भारतीय टेलीविजन रेटिंग में अपना तीसरा स्थान हासिल करने के लिए प्रपात लक्ष्य रेटिंग अंक TRP अर्जित किए और यह कोरियोग्राफर से निर्देशन बने प्रभु देवा की द्वारा निर्देशित वांटेड में दिखाई दिए।
फिल्म पूर्व मितित की समीक्षाएं मिली बॉलीवुड हंगामा के दौरान आर्दस ने इसे 5 में से 4 रेटिंग दी। वांटेड सलमान खान की स्टार पावर पर सवारी करते वह शहर में सबसे अच्छा अभिनेता नहीं हो सकता, लेकिन वांटेड जैसी फिल्म में एक ऐसी भूमिका जो उसकी व्यतीतता के विस्तार की तरह लगती है। आप इस भूमिका को फलने फूलने के लिए किसी और के बारे में नहीं सोच सकते हैं। खान को मजा आ रहा होगा, लेकिन तथ्य यह है कि वांटेड जैसी फिल्म इस बात को रेखांकित करती है कि बॉलीवुड को किस तरह युवा की प्रमुख की पुरुषों की नस्ल की जरूरत है। वह उस वर्ष 2 अन्य फिल्मों में और मिसेज खाना और लंदन ड्रीमर्स में दिखाई दिए कि खान की 2010 की पहली रिलीज अनिल शर्मा की फिल्म वीर थी। अपनी अगली फिल्म दबंग में खान ने फिल्म में हास्य की प्रभाव के साथ एक निडर पुलिस वाले की भूमिका निभाई। इकोनॉमिक्स की टाइम्स ने फिल्म को निर्जीवता पर उच्चारण और कथाना की और विश्वसनीयता के मामले में पूर्ण असंगति होने के बावजूद अपनी व्यवसायी की सफलता के उल्लेखनीय बताया कि टाइम्स ने उद्योग को भी नोट किया। विशेषज्ञों ने फिल्म की लोकप्रियता का श्रेय खान की उपस्थिति को देते हुए कहा कि वे इसकी ऑक्शन का श्रेय सलमान खान की स्टार करिश्मे को देती है जो चुलबुले पांडे की अंतिम सीन्स की अभिव्यक्ति को बेलगाम उत्साह और जोश के साथ निभाते में कामयाब रहे हैं। और दबंग ने संपूर्ण की मनोरंजन प्रदान करने वाली लोकप्रिय फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की सहित कई पुरस्कार जीते। इसे बाद में तमिल और तेलुगु में बनाया गया था। फिल्म का निर्माण उनकी भाई अरबाज खान ने किया था। हिंदुस्तान टाइम्स के द्वारा रिपोर्ट किया गया था कि फिल्म पूरे देश में खचाखच की भरी हुई थी। खान को उनके प्रदर्शन के लिए अभिनेता के लिए स्टार स्क्रीन अवार्ड और स्टार ऑफ द ईयर मेल के लिए स्टार डस्ट अवार्ड मिला। उन्हें अभिनेता के लिए उनकी 6ठे फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए भी नामांकित किया गया। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड की सुपर स्टार सलमान खान की करियर की सबसे बड़ी मूवी जिसका नाम है किसी का भाई किसी का जान। तो दोस्तों, अगर आप भी सलमान खान के फैन हो और अगर आप किसी का भाई किसी की जान मूवी को देखना चाहते हो और साथ ही साथ इस मूवी को बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को जानना चाहते हो तो इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना नाम भी ना भूलिएगा। किसी का भाई किसी की जान अनुवाद किसी का भाई किसी का प्रेम जिसे प्रभामिंग कैया के नाम से भी जाना जाता है फराज सामजी की द्वारा निर्देशित और सलमान खान फिल्म की द्वारा निर्मित 2023 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है। फिल्म में सलमान खान पूजा हेगड़े वेंकटेश और जगपति बाबू ने सहायक कलाकारों को टुकड़े के साथ अभिनय किया। यह फिल्म तमिल फिल्म वीरम 2014 की रीमेक है और किसी का भाई किसी की जान की सलमान खान के लिए ही और देवटंडी के लिए और कुछ प्राण सिंह की किसी का भाई किसी की जान की 21 अप्रैल 2023 को ईद की त्यौहार के मौके पर नाटकीय रूप से रिलीज हुई। फिल्म को समीक्षकों से मिश्रित समीक्षाएं मिली। किसी का भाई किसी की जान ने दुनिया भर में 60 से 47 करोड़ से अधिक की कमाई की है जो 2023 में एक हिंदी फिल्म की द्वारा 4थी सबसे कमाई है। इस खंड की विस्तार की जरूरत है, आप इसे जोड़कर मदद कर सकती है। भाई जान एक आत्मरक्षा परिचय है जो अपने भाइयों के साथ खुशी से रहता है और किसी के साथ विवादों को निपटाने के लिए हिस्सा का उपयोग करता है, लेकिन अपनी तेलुगु आधारित प्रेमिका की भाग्य लक्ष्मी के लिए अपने तरीके सुधारने का फैसला करता है। हालांकि भाईजान को पता चलता है कि भाग्य लक्ष्मी का परिवार राउडी आना के साथ अपने पिछले प्रतिद्वंदी के कारण मुश्किल में है और उनकी जानकारी बिना उनकी रक्षा करने के लिए निकल पड़ता है। निर्देशन की फरहान खान ने और अवतार के लिए ही समझे सामजी ने शुरुआत में 2014 की तमिल फिल्म वीरम को अक्षय कुमार के साथ बचपन की पांडे पहले ही टाइटल लैंड ऑफ लुंगी के रूप में रीमेक करने की मांग की थी। हालांकि बाद में उन्होंने बचपन पांडे की पटकथा को बदलकर एक और तमिल फिल्म
जिगर ठंडा का रीमेक बनाया, जैसा कि नडियड वाला ग्रेडेशन एंटरटेनमेंट की पास दोनों फिल्मों की रीमेक अधिकार थे। सामजी ने वीरम की कहानी को बदल दिया और सलमान खान को खड़ा कर दिया, जिन्होंने फिल्म को स्वीकार कर लिया। बाद में नडियड वाला की परियोजना से बाहर चले गए और खान को अधिकार दे दिए, जिन्होंने फिर अपने बैनर सलमान खान फिल्म्स के तहत फिल्म बनाने का फैसला किया। फिल्म की घोषणा 10 जनवरी 2020 को कभी ईद कभी दिवाली सेंसर के साथ की गई थी। हालांकि बाद में इसे लंबे समय के लिए स्थगित कर दिया गया था और 19 महामारी के कारण कई प्री प्रोडक्शन देरी का सामना करना पड़ा और बाद में इसे कथित सिंसा की भाईजान के साथ पुनर्जीवित किया गया कि हालांकि अगस्त 2022 में फिल्म की अधिकारी का सिंसा की घोषणा किसी का भाई किसी के जान के रूप में भी की गई थी। फरवरी 2020 में की गई थी कि किसी का भाई पूजा हेगेंडी और वास की पूजा हेगेंडी को महिला प्रधान के रूप में साइन किया गया था। दिसंबर 2021 में वेक्टेंस की कलाकारों में शामिल हो गए। उन्होंने तकदीर वाला 1995 के बाद हिंदी सिनेमा में वापसी की फिल्म में खान की भाइयों की भूमिका निभाने के लिए जसली की गिल, सिद्धार्थ निगम और राघवा जुयाल को लिया गया था। पंजाबी सिनेमा अभिनेत्री शहनाज गिल, दक्षिण भारतीय सिनेमा अभिनेत्री मालविका शर्मा, नौसिखिया पलक तिवारी और मुक्केबाज की राजनीति की विजेंद्र सिंह को साइन किया गया, जिसने फिल्म के साथ अपनी हिंदी फिल्म की शुरुआत की। जगपति बाबू को एक महत्वपूर्ण की भूमिका निभाने के लिए साइन किया गया था। आसिफ शेख को प्रमुख की भूमिका निभाने के लिए साइन किया गया था। रामचरण को एक विशेष उपस्थिति के लिए चुना गया था। प्रधान फोटोग्राफी 12 मई 2022 को मुंबई में शुरू हुई। बाद में जून में प्रोडक्शन हैदराबाद चला गया। अगस्त 2022 में लचाक में कुछ हिस्सों के साथ एक गाना फिल्माया गया था। फरवरी 2023 में फिल्म की शूटिंग पूरी कर ली गई थी। फिल्म का टीजर लिंक और 2023 के लिए ही फिल्म का टीजर 25 जनवरी 2023 को पठान के साथ रिलीज किया गया था। फिल्म का आधिकारिक का ट्रेलर 10 अप्रैल 2023 को जारी किया गया था। फिल्म को ईद की मौके पर 21 अप्रैल 2023 को नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था। फिल्म को दुनिया भर में 57 स्क्रीनों पर रिलीज किया गया, जिसमें भारत में 4500 स्क्रीन और विदेशी बाजार में 1200 स्क्रीन शामिल है। आलोचनात्मक की स्वीकारता, बॉलीवुड हंगामा ने फिल्म को 5 में से 35 रेटिंग दी और लिखा किसी का भाई किसी की जान सलमान खान की प्रशंसकों के लिए एक आदर्श की ईद उपहार है। फर्स्ट पोस्ट की गणेश की आगलवेन की आग लवे ने फिल्म को 5 में से 35 रेटिंग दी और लिखा कि सलमान खान दमदार सवारों और बड़े पैमाने पर एक्शन दृश्यों को संयोजन के साथ स्वेग और अंतिम उपस्थिति के साथ हमेशा स्क्रीन पर राज करता है। डीएन नए इंडिया की सिमरन सिंह ने फिल्म को 5 में से 3 रेटिंग दी और लिखा किसी का भाई किसी की जान एक सच्ची कहानी, बलू सलमान खान की फिल्म एक पूर्ण परिवार की मनोरंजन फिल्म की जिसकी उनकी प्रशंसकों ने कई वर्षों उम्मीद की थी। एक्शन ड्रामा रोमांस और कॉमेडी जो सलमान खान की फिल्मों को पैटर्न है, विशेष रूप से सलमान खान की एंट्री और वेक्टिस की लड़ाई और रामचरण का कैमियो उसे देखने की लायक बनता है। द टाइम्स ऑफ इंडिया की रौनक कोटेजा ने फिल्म को 25 रेट किया 5 में से और लिखा कि यह सलमान खान स्टार एक बार फिर अपने कट्टर प्रशंसकों के लिए गैलरी में खेलती है। यह क्रूर हिस्सा और ढेर सारे ड्रामा के साथ एक लार्जर देन लाइफ एक्शन है। स्क्राइनल की इन दोनों की हालांकि ही द वर्ल्ड की स्क्राइन इन ने लिखा कि प्रसार में सलमान खान की फिल्म के सभी विशिष्ट तत्व शामिल हैं, लेकिन उनकी पिछली कुछ फिल्मों की तुलना में आधी की विवेक प्रून की मात्रा में। द इंडियन एक्सप्रेस की शुभा गुप्ता ने लिखा हर सलमान खान का थका हुआ अकलापति की
समामेलन की संस्करण NDTV की सैबल चटर्जी ने विशाल अनुपात का उपहास लिखा था कि सुकन्या वर्मा ने फिल्म को 5 में से 1 रेटिंग दी है और लिखा सलमान खान अपनी फार्मूले की रट में इतने गहरे हैं कि उन्हें पता है कि कुछ और बंक करना है। मोनिका रावत हिंदुस्तान टाइम्स की कुकरेजा ने लिखा जोरदार और संवेदनहीन की सलमान खान का किंग पेस्ट का आपको कहता है कि इसे रोको भाईजान। द हिंदू की विशाल की शिलाजीत की मित्रा ने लिखा कि कष्टप्रद उदासीन और अपने लुप्त पुत होते कि सुपरस्टार के लिए खाली सतुर्थ से भरा हुआ किसी का भाई किसी का जाते अपने पहले दिन भारत में 1581 करोड़ मिलियन और विदेशों में 957 करोड़ मिलियन की कमाई की और 25 से 38 करोड़ मिलियन की कमाई की। 22 अप्रैल 2023 तक फिल्म ने भारत में 39 से 38 करोड़ की कमाई मिलियन की और विदेशों में 1 से 99 करोड़ मिलियन की कमाई की और दुनिया भर में 60 से 47 करोड़ मिलियन का सकल संग्रह किया। सलमान खान की पटकथा और लेखन सलीम खान और उनकी पहली पत्नी सुशीला चरक से बड़े बेटे हैं जिन्होंने सलमा नाम अपनाया था। 27 दिसंबर 1965 को एक मुस्लिम पिता और हिंदू माँ से जन्म खान का पालन पोषण दोनों धर्मों में हुआ। 1981 में जब सलीम ने अभिनेत्री हेलेन से शादी की तो उनके पिता के साथ बच्चों को संबंध शत्रुतापूर्ण हो गए और केवल वर्षों बाद ठीक हो गए। माना जाता है कि सलमान खान के दादा दादी अफगानिस्तान की अलाकोजई पश्तून थे जो 1800 के दशक की मगे में इंदौर राजेंद्र रेजिडेंसी की अब मगे प्रदेश में ब्रिटिश भारत में आकार बस गए थे। हालांकि जसीम खान ने अभिनेता की अपनी जीवनी में कहा है कि उनके पूर्व उत्तर पश्चिम सीमांत के प्रांत ब्रिटिश भारत वर्तमान में खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान की स्वात घाटी में मलाकंद से यूसुफ अजय पश्तूने की अहुजाए उप की जनजाति के थे। उनके दादा अब्दुल रशीद खान इंदौर राजा की एक की उप की महानिरीक्षक थे जिन्हें होलकर की टाइम्स के दले जंग के पुरस्कार थे सम्मानित किया गया था कि खान की मां एक गृहिणी है जिनके पिता बलदेव सिंह चरक एक डोगरा राजपूत जम्मू और कश्मीर में जम्मू से आते और जिनकी मराठी महाराष्ट्र से आती है। खान की हिंदी और अंग्रेजी के अलावा मराठी भी बोल सकते हैं। उनके दो भाई हैं अरबाज खान और सुहेल खान और दो बहनें अलवीरा खान अग्निहोत्री जिनकी शादी अभिनेता निर्देशन अतुल अग्निहोत्री से हुई है और एक दलित बहन की अप्रीता। सलमान ने अपने छोटे भाइयों अरबाज और सुहेल की तरह मुंबई की ब्रांडों में स्टेट की स्टेटेनिसलास की हाई स्कूल में अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की। पहले उन्होंने अपने छोटे भाई अरबाज के साथ कुछ वर्षों तक ग्वालियर सिंधिया स्कूल में अध्ययन किया। उन्होंने मुंबई स्टेट की जेवी वर्ष कॉलेज में पढ़ाई की लेकिन पढ़ाई छोड़ दी। शुरुआत और सफलता खान ने अभिनय की शुरुआत की 1988 की फिल्म बीवी हो तो ऐसी की जिसमें उन्होंने एक सहायक की भूमिका निभाई। उन्होंने सूरज आर बरजातिया की रोमांटिक परिवारिक ड्रामा मैंने प्यार किया 1979 में मुख्य भूमिका निभाई जो उस समय की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों से एक बन गई। इससे उन्हें ही सर्वश्रेष्ठ पुरुष की पदार्पण के लिए नामांकन के साथ फिल्म फेयर में अभिनेता के लिए अपना पहला नामांकन अर्जित किया। मैंने प्यार किया को अंग्रेजी में वह लॉकलॉस की स्पेनिश में तो ओमो और तेलुगु में प्रेमा पौरा आलू के रूप में डब किया गया था। 1990 में खान बागी अभिनीत एक फिल्म रिलीज हुई जो बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। इसके बाद 1991 में 3 मामूली सफल फिल्में आई पत्थर के फूल सनम बेवफा लव और कुर्बान। उसी वर्ष खान ने रोमांटिक ड्रामा साजन संजय की दर्द और माधुरी त्रिजीत के साथ सह कलाकार के रूप में काम किया। 1992 में वह सूर्यवंशी जगृति के नीचे और एक लड़का एक लड़की में दिखाई दिए। यह वर्ष उनके लिए सफल वर्ष नहीं रहा क्योंकि चारों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर असफल रही।
1994 में खान राजकुमार संतोषी की अंदाज अपना अपना में आमिर खान के साथ दिखाई दी। अपनी रिलीज के समय फिल्म बॉक्स ऑफिस पर असफल रही, लेकिन वर्षों में इसने एक क्लट का दर्जा हासिल कर लिया। बाद की वर्षों में उन्होंने निर्देशन की सूरज बड़जात्या के साथ रोमांस हम आपकी है कौन, सह कलाकार की माधुरी त्रिजीत 1995 की पुरस्कारों की मौसम के दौरान फिल्म ने फिल्म की निर्देशन और अभिनेत्री के लिए 3 फिल्मफेयर पुरस्कार जीते। इसने वर्ष की सबसे लोकप्रिय फिल्म होने का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी जीता। दुनिया भर में 2 मिलियन से अधिक की कमाई करने वाली यह फिल्म साल की सबसे बड़ी बॉलीवुड हिट और तब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई। यह बॉक्स ऑफिस इंडिया के हिंदी सिनेमा में अब तक की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर की सूची में से एक है। बॉक्स ऑफिस इंडिया के अनुसार 2 से 6 में यह अब तक की चौथी सबसे अधिक कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म थी। 1995 में उन्होंने राकेश रोशन की करण अर्जुन में शाहरुख खान के साथ अभिनय किया। दो खेले गए भाई को जो परिवार के दुश्मनों के द्वारा मारे जाने के बाद पुनर्जन्म लेते हैं, करण के रूप में उनकी भूमिका ने उन्हें 1995 की फिल्म फेयर अभिनेता पुरस्कार के लिए नामांकित किया। 1996 में खान ने संजय लीला भंसाली की पहली निर्देशन फिल्म खामोशी द म्यूजिकल में प्रदर्शन किया। वह और राज कंवर की एक्शन हिट जीत में भी दिखाई दिए। 1997 में उनकी 2 रिलीज हुई, जुड़िया और औजार, पहली देवी धवन की द्वारा निर्देशित एक कॉमेडी थी जिसमें उन्होंने जुड़वा बच्चों की दोहरी भूमिका निभाई थी जो जन्म के समय अलग हो गए थे। खान ने 1998 में 5 अलग अलग फिल्मों में काम किए। उनकी पहली रिलीज रोमांटिक कॉमेडी फिल्म प्यार किया तो डरना किया काजोल के साथ थी जो उस साल की सबसे बड़ी वैसाही की सफलताओं में से एक थी। इसके बाद मखियम की रूप से सफल नाटक जब प्यार किसी से होता है आया जिसमें खान ने एक युवा की भूमिका निभाई जिसे एक बच्चे को अपने कब्जे में लेना है जो उसका बेटा होने का वादा दावा करता है। फिल्म में खान की प्रदर्शन ने अनुकूल आलोचनात्मक की समीक्षा अर्जित की। उन्होंने करण जौहर की निर्देशन में बने पहली फिल्म कुछ कुछ होता है मैं एक विस्तारित कैमियो को भी किया था और जिसने उन्हें आलोचनात्मक की प्रशंसा और सहायक की अभिनेता श्रेणी के तहत 2रा फिल्म फेयर पुरस्कार अर्जित किया। 1999 में खान ने 3 फिल्मों में अभिनय किया, हम साथ साथ हैं, बीवी नंबर 1 और हम दिल दे चुके सनम में ऐत्रेय राय और अजय देवगन के साथ जिसने उन्हें फिल्म फेयर पुरस्कार में एक और अभिनेता का नामांकन दिलाया। फिल्म में उनकी प्रदर्शन की सकारात्मक की समीक्षा की गई जिसमें रेडिप की शर्मिला तेलीकुब ने कहा सलमान प्यारी है, वह नाट की दोस्तियों में हैम करते हैं लेकिन कॉमेडी और उन रोमांटिक दोस्तियों को करने में बहुत सहज दिखती है। 2001 में खान चोरी चोरी चुपके चुपके में दिखाई दिए जिसने सरोगेट बच्चे की जन्म की कुछ मूछों की संबोधित किया। इसमें खान ने एक अमीर उद्योगपति की भूमिका निभाई जो अपनी पत्नी की बाज हो जाने के बाद सरोगेट माँ को काम पर रखता है। रेडिप की सुकन्या वर्मा ने लिखा है कि फिल्म की कहानी बेतुकी है लेकिन इसमें कलाकारों की सहज प्रदर्शन भी है इससे कि इसकी अन्य खामियों को कम करने में मदद मिली है। 2002 में उन्होंने हम तुम्हारे हैं सनम में अभिनय किया। तेरे नाम 2003 के लिए तरण आदर्श ने उनके बारे में कहा सलमान खान एक ऐसी भूमिका में असाधारण है जो उन्हें टी के लिए उपयुक्त बनाती है, वह दूसरों में आग की सांस लेती है जो बेचैनी की मांग करते हैं लेकिन कठिन बाहरी के नीचे एक कमजोर व्यक्ति है और यह पहलू अंतर है कि बाद की रीलों में विशेष रूप से सामने आता है उनकी भावनात्मक की विस्फोट। शानदार निर्देशन की सतीश कौशिक ने फिल्म में खान के कम को मजबूत माना। इसके बारे में कहा सलमान ने फिल्म में शानदार प्रदर्शन किया है कि उन्होंने एक त्रिव की अपरंगात की प्रदर्शन दिया है। मेरा मानना है कि यह सलमान की करियर का अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन है। उनका करियर मुझसे शादी करोगी और ना एंटी जैसी
कॉमेडी के साथ आगे बढ़ा। खान ने 2007 की शुरुआती कलाकारों को टुकड़ी की फिल्म सलाम ए इश्क की ही वह अमेरिकी अभिनेत्री ओली लटर के साथ हॉलीवुड फिल्म की मैरी गोल्ड में दिखाई दी। फिल्म में एक भारतीय पुरुष और एक अमेरिकी महिला की प्रेम कहानी बताई गई थी। खान ने 2009 के दौरान गेम शो 10 दम के दूसरे सीजन की मेजबानी की। बीज एशिया यूके की 2008 की एक रिपोर्ट के अनुसार इस शो ने सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन के लिए भारतीय टेलीविजन रेटिंग में अपना तीसरा स्थान हासिल करने के लिए प्रपात लक्ष्य रेटिंग अंक TRP अर्जित किए और यह कोरियोग्राफर से निर्देशन बने प्रभु देवा की द्वारा निर्देशित वांटेड में दिखाई दिए। फिल्म को मित्रित की समीक्षाएं मिली। बॉलीवुड हंगामा के दौरान आर्दश ने इसे 5 में से 4 रेटिंग दी। वांटेड सलमान खान की स्टार पावर पर सवारी करते वह शहर में सबसे अच्छा अभिनेता नहीं हो सकता, लेकिन वांटेड जैसी फिल्म में एक ऐसी भूमिका जो उसकी व्यक्तित्व के विस्तार की तरह लगती है। आप इस भूमिका को फलने फूलने के लिए किसी और के बारे में नहीं सोच सकते हैं। खान को मजा आ रहा होगा, लेकिन तथ्य यह है कि वांटेड ऐसी फिल्म इस बात को रेखांकित करती है कि बॉलीवुड को किस तरह युवा की प्रमुख की पुरुषों की नस्ल की जरूरत है। वह उस वर्ष 2 अन्य फिल्मों में और मिसेज खाना और लंदन ड्रीमर्स में दिखाई दिए कि खान की 2010 की पहली रिलीज अनिल शर्मा की फिल्म वीर थी। अपनी अगली फिल्म दबंग में खान ने फिल्म में हास्य की प्रभाव के साथ एक निडर पुलिस वाले की भूमिका निभाई। इकोनॉमिक्स की टाइम्स ने फिल्म को निर्जीवता पर उच्चारण और कथानक और विश्वसनीयता के मामले में पूर्ण असंगति होने के बावजूद अपनी वैसाही की सफलता के उल्लेखनीय बताया कि टाइम्स ने उद्योग को भी नोट किया। विशेषज्ञों ने फिल्म की लोकप्रियता का श्रेय खान की उपस्थिति को देते हुए कहा कि वे इसकी ऑक्शन का श्रेय सलमान खान की स्टार करिश्मे को देती है जो चुलबुले पांडे की अंतिम सीन्स की अभिव्यक्ति को बेलगाम उत्साह और जोश के साथ निभाती में कामयाब रहे हैं। और दबंग ने संपूर्ण की मनोरंजन प्रदान करने वाली लोकप्रिय फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की सहित कई पुरस्कार जीते। इसे बाद में तमिल और तेलुगु में बनाया गया था। फिल्म का निर्माण उनकी भाई अरबाज खान ने किया था। हिंदुस्तान टाइम्स के द्वारा रिपोर्ट किया गया था कि फिल्म पूरे देश में खचाखच की भरी हुई थी। खान को उनके प्रदर्शन के लिए अभिनेता के लिए स्टार स्क्रीन अवार्ड और स्टार ऑफ द ईयर मेल के लिए स्टार डस्ट अवार्ड मिला। उन्हें अभिनेता के लिए उनकी 6वें फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए भी नामांकित किया गया। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड की सुपर स्टार सलमान खान की करियर की सबसे बड़ी मूवी जिसका नाम है किसी का भाई किसी का जान। तो दोस्तों, अगर आप भी सलमान खान के फैन हो और अगर आप किसी का भाई किसी की जान मूवी को देखना चाहते हो और साथ ही साथ इस मूवी को बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को जानना चाहते हो तो इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना नाम भी ना भूलिएगा। किसी का भाई किसी की जान अनुवाद किसी का भाई किसी का प्रेम जिसे प्रभामिंग कैया के नाम से भी जाना जाता है फराज सामजी की द्वारा निर्देशित और सलमान खान फिल्म की द्वारा निर्मित 2023 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है। फिल्म में सलमान खान पूजा हेगड़े वेंकटेश और जगपति बाबू ने सहायक कलाकारों को टुकड़ी के साथ अभिनय किया। यह फिल्म तमिल फिल्म वीरम 2014 की रीमेक है और किसी का भाई किसी की जान की सलमान खान के लिए ही और देवटंडी के लिए और कुछ प्राण सिंह की किसी का भाई किसी की जान की 21 अप्रैल 2023 को ईद की त्यौहार के मौके पर नाटकीय रूप से रिलीज हुई। फिल्म को समीक्षकों से मिश्रित समीक्षाएं मिली। किसी का भाई किसी की जान ने दुनिया भर में 60 से 47 करोड़ से अधिक की कमाई की है जो 2023 में एक हिंदी फिल्म की द्वारा 4थी सबसे कमाई है। इस खंड की विस्तार की जरूरत है, आप इसे जोड़कर मदद कर सकती है। भाई जान एक आत्मरक्षा परिचय है जो अपने भाइयों के साथ खुशी से रहता है और किसी के साथ विवादों को निपटाने
निपटाने के लिए हिस्सा का उपयोग करता है, लेकिन अपनी तेलुगु आधारित प्रेमिका की भाग्य लक्ष्मी के लिए अपने तरीके सुधारने का फैसला करता है। हालांकि भाईजान को पता चलता है कि भाग्य लक्ष्मी का परिवार राउडी आना के साथ अपने पिछले प्रतिद्वंदी के कारण मुश्किल में है और उनकी जानकारी बिना उनकी रक्षा करने के लिए निकल पड़ता है। निर्देशन के फरहान खान ने और अवतार के लिए ही समझे सामजी ने शुरुआत में 2014 की तमिल फिल्म वीरम को अक्षय कुमार के साथ बचपन के पांडे पहले ही टाइटल लैंड ऑफ लुंगी के रूप में रीमेक करने की मांग की थी। हालांकि बाद में उन्होंने बचपन पांडे की पटकथा को बदलकर एक और तमिल फिल्म जिगर ठंडा का रीमेक बनाया, जैसा कि नडियाडवाला ग्रेडेशन एंटरटेनमेंट की पास दोनों फिल्मों की रीमेक अधिकार थे। सामजी ने वीरम की कहानी को बदल दिया और सलमान खान को खड़ा कर दिया, जिन्होंने फिल्म को स्वीकार कर लिया। बाद में नडियाडवाला की परियोजना से बाहर चले गए और खान को अधिकार दे दिए, जिन्होंने फिर अपने बैनर सलमान खान फिल्म्स के तहत फिल्म बनाने का फैसला किया। फिल्म की घोषणा 10 जनवरी 2020 को कभी ईद कभी दिवाली शीर्षक के साथ की गई थी। हालांकि बाद में इसे लंबे समय के लिए स्थगित कर दिया गया था और 19 महामारी के कारण कई प्री प्रोडक्शन देरी का सामना करना पड़ा और बाद में इसे कथित शीर्षक की भाईजान के साथ पुनर्जीवित किया गया कि हालांकि अगस्त 2022 में फिल्म की आधिकारिक का शीर्षक की घोषणा किसी का भाई किसी के जान के रूप में भी की गई थी। फरवरी 2020 में की गई थी कि किसी का भाई पूजा हेगेंडी और वास की पूजा हेगेंडी को महिला प्रधान के रूप में साइन किया गया था। दिसंबर 2021 में वेक्टेंस की कलाकारों में शामिल हो गए। उन्होंने तकदीरवाला 1995 के बाद हिंदी सिनेमा में वापसी की फिल्म में खान की भाइयों की भूमिका निभाने के लिए जसली की गिल सिद्धार्थ निगम और राघवा जुयाल को लिया गया था। पंजाबी सिनेमा अभिनेत्री शहनाज गिल, दक्षिण भारतीय सिनेमा अभिनेत्री मालविका शर्मा, नौसिखिया पलक तिवारी और मुक्केबाज की राजनीति की विजेंद्र सिंह को साइन किया गया, जिसने फिल्म के साथ अपनी हिंदी फिल्म की शुरुआत की। जगपति बाबू को एक महत्वपूर्ण की भूमिका निभाने के लिए साइन किया गया था। आसिफ शेख को प्रमुख की भूमिका निभाने के लिए साइन किया गया था। रामचरण को एक विशेष उपस्थिति के लिए चुना गया था। प्रधान फोटोग्राफी 12 मई 2022 को मुंबई में शुरू हुई। बाद में जून में प्रोडक्शन हैदराबाद चला गया। अगस्त 2022 में लचाक में कुछ हिस्सों के साथ एक गाना फिल्माया गया था। फरवरी 2023 में फिल्म की शूटिंग पूरी कर ली गई थी। फिल्म का टीचर लिंक और 2023 के लिए ही फिल्म का टीचर 25 जनवरी 2023 को पठान के साथ रिलीज किया गया था। फिल्म का आधिकारिक का ट्रेलर 10 अप्रैल 2023 को जारी किया गया था। फिल्म को ईद की मौके पर 21 अप्रैल 2023 को नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था। फिल्म को दुनिया भर में 57 स्क्रीनों पर रिलीज किया गया, जिसमें भारत में 4500 स्क्रीन और विदेशी बाजार में 1200 स्क्रीन शामिल है। आलोचनात्मक की स्वीकारता, बॉलीवुड हंगामा ने फिल्म को 5 में से 35 रेटिंग दी और लिखा किसी का भाई किसी की जान सलमान खान की प्रशंसकों के लिए एक आदर्श की ईद उपहार है। फर्स्ट पोज की गणेश की आग लवे ने फिल्म को 5 में से 35 रेटिंग दी और लिखा कि सलमान खान दमदार सवारों और बड़े पैमाने पर एक्शन दृश्यों को संयोजन के साथ स्वेग और अंतिम उपस्थिति के साथ हमेशा स्क्रीन पर राज करता है। डीएन नए इंडिया की सिमरन सिंह ने फिल्म को 5 में से 3 रेटिंग दी और लिखा किसी का भाई किसी की जान एक सच्ची कहानी, बलू सलमान खान की फिल्म एक पूर्ण परिवार की मनोरंजन फिल्म की जिसकी उनकी प्रशंसकों ने कई वर्षों उम्मीद की थी। एक्शन ड्रामा रोमांस और कॉमेडी जो सलमान खान की फिल्मों को पैटर्न है, विशेष रूप से सलमान खान की एंट्री और वेक्टिस की लड़ाई और रामचरण का कैमियो उसे देखने की लायक बनता है।
गए। द टाइम्स ऑफ इंडिया की रौनक कोटेजा ने फिल्म को 25 रेट किया। 5 में से और लिखा कि यह सलमान खान स्टार एक बार फिर अपने कट्टर प्रशंसकों के लिए गैलरी में खेलती है। यह क्रूर हिस्सा और ढेर सारे ड्रामा के साथ एक लार्जर देन लाइफ एक्शन है। इस क्राइनल की इन दोनों की हालांकि द वर्ल्ड की इस क्राइन इन ने लिखा कि प्रसार में सलमान खान की फिल्म के सभी विशिष्ट तत्व शामिल हैं, लेकिन उनकी पिछली कुछ फिल्मों की तुलना में आधी की विवेक प्रून की मात्रा में। द इंडियन एक्सप्रेस की शुभा गुप्ता ने लिखा, हर सलमान खान का थका हुआ अकलपति की समामेलन की संस्करण। NDTV की सैबल चटर्जी ने विशाल अनुपात का उपहास लिखा था कि सुकन्या वर्मा ने फिल्म को 5 में से 1 रेटिंग दी है और लिखा, सलमान खान अपनी फार्मूले की रट में इतने गहरे हैं कि उन्हें पता है कि कुछ और बंक करना है। मोनिका रावत हिंदुस्तान टाइम्स की कुकरेजा ने लिखा, जोरदार और संवेदनहीन की सलमान खान का किंग पेस्ट का आपको कहता है कि इसे रोको भाईजान। द हिंदू की विशाल की शिलाजीत की मित्रा ने लिखा कि कष्टप्रद उदासीन और अपने लुप्त पुत होते कि सुपरस्टार के लिए खाली सतुर्थ से भरा हुआ किसी का भाई किसी का जाते अपने पहले दिन भारत में 1581 करोड़ मिलियन और विदेशों में 957 करोड़ मिलियन की कमाई की और 25 से 38 करोड़ मिलियन की कमाई की। 22 अप्रैल 2023 तक फिल्म ने भारत में 39 से 38 करोड़ की कमाई मिलियन की और विदेशों में 199 करोड़ मिलियन की कमाई की और दुनिया भर में 60 से 47 करोड़ मिलियन का सकल संग्रह किया। सलमान खान की पटकथा और लेखन सलीम खान और उनकी पहली पत्नी सुशीला चरक से बड़े बेटे हैं जिन्होंने सलमा नाम अपनाया था। 27 दिसंबर 1965 को एक मुस्लिम पिता और हिंदू माँ से जन्म खान का पालन पोषण दोनों धर्मों में हुआ। 1981 में जब सलीम ने अभिनेत्री हेलेन से शादी की तो उनके पिता के साथ बच्चों को संबंध शत्रुतापूर्ण हो गए और केवल वर्षों बाद ठीक हो गए। माना जाता है कि सलमान खान के दादा दादी अफगानिस्तान की अलाकोजई पश्तून थे जो 1800 के दशक की मध्य में इंदौर रेजिडेंसी की अब मध्य प्रदेश में ब्रिटिश भारत में आकार बस गए थे। हालांकि जसीम खान ने अभिनेता की अपनी जीवनी में कहा है कि उनके पूर्व उत्तर पश्चिम सीमांत के प्रांत ब्रिटिश भारत वर्तमान में खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान की स्वात घाटी में मलाकंद से यूसुफ अजय पश्तूने की अहुजाई उप की जनजाति के थे। उनके दादा अब्दुल रशीद खान इंदौर रजय की एक की उप की महानिरीक्षक थे जिन्हें होलकर की टाइम्स के दले जंग के पुरस्कार थे सम्मानित किया गया था कि खान की मां एक गृहिणी है जिनके पिता बलदेव सिंह चरक एक डोगरा राजपूत जम्मू और कश्मीर में जम्मू से आते और जिनकी मराठी महाराष्ट्र से आती है। खान की हिंदी और अंग्रेजी के अलावा मराठी भी बोल सकते हैं। उनके दो भाई हैं अरबाज खान और सुहेल खान और दो बहनें अलवीरा खान अग्निहोत्री जिनकी शादी अभिनेता निर्देशन अतुल अग्निहोत्री से हुई है और एक दत्त बहन की अप्रीता। सलमान ने अपने छोटे भाइयों अरबाज और सुहेल की तरह मुंबई की ब्रांडों में स्टेट की स्टेनिस्लास की हाई स्कूल में अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की। पहले उन्होंने अपने छोटे भाई अरबाज के साथ कुछ वर्षों तक ग्वालियर सिंधिया स्कूल में अध्ययन किया। उन्होंने मुंबई स्टेट की जेवी वर्ष कॉलेज में पढ़ाई की लेकिन पढ़ाई छोड़ दी। शुरुआत और सफलता खान ने अभिनय की शुरुआत की 1988 की फिल्म बीवी हो तो ऐसी की जिसमें उन्होंने एक सहायक की भूमिका निभाई
उन्होंने सूरज आर बरजातिया की रोमांटिक परिवारिक ड्रामा मैंने प्यार किया 1979 में मुख्य भूमिका निभाई, जो उस समय की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों से एक बन गई। इससे उन्हें ही सर्वश्रेष्ठ पुरुष की पदार्पण के लिए नामांकन के साथ फिल्म फेयर में अभिनेता के लिए अपना पहला नामांकन अर्जित किया। मैंने प्यार किया को अंग्रेजी में वह लॉकलॉस की स्पेनिश में तो ओमो और तेलुगु में प्रेमा पौरालू के रूप में डब किया गया था। 1990 में खान बागी अभिनीत एक फिल्म रिलीज हुई जो बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। इसके बाद 1991 में 3 मामूली सफल फिल्में आई, पत्थर के फूल, सनम बेवफा, लव और कुर्बान। उसी वर्ष खान ने रोमांटिक ड्रामा साजन संजय की दर्द और माधुरी त्रिजीत के साथ सह कलाकार के रूप में काम किया। 1992 में वह सूर्यवंशी, जगृति के नीचे और एक लड़का एक लड़की में दिखाई दिए। यह वर्ष उनके लिए सफल वर्ष नहीं रहा क्योंकि चारों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर असफल रही। 1994 में खान राजकुमार संतोषी की अंदाज अपना अपना में आमिर खान के साथ दिखाई दी। अपनी रिलीज के समय फिल्म बॉक्स ऑफिस पर असफल रही, लेकिन वर्षों में इसने एक क्लट का दर्जा हासिल कर लिया। बाद के वर्षों में उन्होंने निर्देशन की सूरज बरजात्या के साथ रोमांस हम आपकी है कौन, सह कलाकार की माधुरी त्रिजीत। 1995 की पुरस्कारों की मौसम के दौरान फिल्म ने फिल्म की निर्देशन और अभिनेत्री के लिए 3 फिल्मफेयर पुरस्कार जीते। इसने वर्ष की सबसे लोकप्रिय फिल्म होने का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी जीता। दुनिया भर में 2 मिलियन से अधिक की कमाई करने वाली यह फिल्म साल की सबसे बड़ी बॉलीवुड हिट और तब तक की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई। यह बॉक्स ऑफिस इंडिया के हिंदी सिनेमा में अब तक की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर की सूची में से एक है। बॉक्स ऑफिस इंडिया के अनुसार 2 से 6 में यह अब तक की चौथी सबसे अधिक कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म थी। 1995 में उन्होंने राकेश रोशन की करण अर्जुन में शाहरुख खान के साथ अभिनय किया। दो खेले गए भाई को जो परिवारी की दुश्मनों के द्वारा मारे जाने के बाद पुनर्जन्म लेते हैं करण के रूप में उनकी भूमिका ने उन्हें 1995 की फिल्म फेयर अभिनेता पुरस्कार के लिए नामांकित किया। 1996 में खान ने संजय लीला भंसाली की पहली निर्देशन फिल्म खामोशी द म्यूजिकल में प्रदर्शन किया। वह और राज कंवर की एक्शन हिट जीत में भी दिखाई दिए। 1997 में उनकी 2 रिलीज हुई, जुड़िया और औजार। पहली देवी धवन की द्वारा निर्देशित एक कॉमेडी थी जिसमें उन्होंने जुड़वा बच्चों की दोहरी भूमिका निभाई थी जो जन्म के समय अलग हो गए थे। खान ने 1998 में 5 अलग अलग फिल्मों में काम किए। उनकी पहली रिलीज रोमांटिक कॉमेडी फिल्म प्यार किया तो डरना किया काजल के साथ थी जो उस साल की सबसे बड़ी व्यवसायी की सफलताओं में से एक थी। इसके बाद मखियम की रूप से सफल नाटक जब प्यार किसी से होता है आया जिसमें खान ने एक युवा की भूमिका निभाई जिसे एक बच्चे को अपने कब्जे में लेना है जो उसका बेटा होने का वादा दावा करता है। फिल्म में खान की प्रदर्शन ने अनुकूल आलोचनात्मक की समीक्षा अर्जित की। उन्होंने करण जौहर की निर्देशन में बनी पहली फिल्म कुछ कुछ होता है मैं एक विस्तारित कैमियो को भी किया था और जिसने उन्हें आलोचनात्मक की प्रशंसा और सहायक की अभिनेता श्रेणी के तहत 2रा फिल्म फेयर पुरस्कार अर्जित किया। 1999 में खान ने 3 फिल्मों में अभिनय किया, हम साथ साथ हैं, बीवी नंबर 1 और हम दिल दे चुके सनम में ऐत्रेय राय और अजय देवगन के साथ जिसने उन्हें फिल्म फेयर पुरस्कार में एक और अभिनेता का नामांकन दिलाया। फिल्म में उनकी प्रदर्शन की सकारात्मक की समीक्षा की गई जिसमें रेडिप की शर्मिला तेलीकुब ने कहा सलमान प्यारी है, वह नाटकी दृश्यों में हैम करते हैं लेकिन कॉमेडी और उन रोमांटिक दृश्यों को करने में बहुत सहज दिखती है। 2001 में खान चोरी चोरी चुपके चुपके में दिखाई दिए जिसने सरोगेट बच्चे की जन्म की कुछ मूछों के
मूंछों की संबोधित किया। इसमें खान ने एक अमीर उद्योगपति की भूमिका निभाई जो अपनी पत्नी की बाज हो जाने के बाद सुरोगेट माँ को काम पर रखता है। रेडिप की सुकन्या वर्मा ने लिखा है कि फिल्म की कहानी बेतुकी है लेकिन इसमें कलाकारों की सहज प्रदर्शन भी है, इससे कि इसकी अन्य खामियों को कम करने में मदद मिली है। 2002 में उन्होंने हम तुम्हारे है सनम में अभिनय किया। तेरे नाम 2003 के लिए तरण आदर्श ने उनके बारे में कहा, सलमान खान एक ऐसी भूमिका में असाधारण है जो उन्हें टी के लिए उपयुक्त बनाती है। वह दूसरों में आग की सांस लेती है जो बेचैनी की मांग करते हैं लेकिन कठिन बाहरी के नीचे एक कमजोर रहती है। और यह पहलू अंतर है कि बाद की रीलों में विशेष रूप से सामने आता है उनकी भावनात्मक की विस्फोट। शानदार है निर्देशन की सतीश कौशिक ने फिल्म में खान के काम को मजबूत माना। इसके बारे में कहा, सलमान ने फिल्म में शानदार प्रदर्शन किया है कि उन्होंने एक त्रिवे की अपरंगात की प्रदर्शन दिया है। मेरा मानना है कि यह सलमान की करियर का अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन है। उनका करियर मुझसे शादी करोगी और ना एंटी जैसी कॉमेडी के साथ आगे बढ़ा। खान ने 2007 की शुरुआती कलाकारों को टुकड़े की फिल्म सलाम ए इश्क की ही वह अमेरिकी अभिनेत्री ऑली लटर के साथ हॉलीवुड फिल्म की मैरी गोल्ड में दिखाई दी। फिल्म में एक भारतीय पुरुष और एक अमेरिकी महिला की प्रेम कहानी बताई गई थी। खान ने 2009 के दौरान गेम शो 10 दम के दूसरे सीजन की मेजबानी की। बीज एशिया यूके की 2008 की एक रिपोर्ट के अनुसार इस शो ने सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन के लिए भारतीय टेलीविजन रेटिंग में अपना तीसरा स्थान हासिल करने के लिए प्रपात लक्ष्य रेटिंग अंक TRP अर्जित किए। और यह कोरियोग्राफर से निर्देशन बने प्रभु देवा की द्वारा निर्देशित वांटेड में दिखाई दिए। फिल्म को मित्र की समीक्षाएं मिली। बॉलीवुड हंगामा के दौरान आर्दश ने इसे 5 में से 4 रेटिंग दी। वांटेड सलमान खान की स्टार पावर पर सवारी करते हैं। वह शहर में सबसे अच्छा अभिनेता नहीं हो सकता लेकिन वांटेड जैसी फिल्म में एक ऐसी भूमिका जो उसकी व्यक्तित्व के विस्तार की तरह लगती है। आप इस भूमिका को फलने फूलने के लिए किसी और के बारे में नहीं सोच सकते हैं। खान को मजा आ रहा होगा लेकिन तथ्य यह है कि वांटेड जैसी फिल्म इस बात को रेखांकित करती है कि बॉलीवुड को किस तरह युवक की प्रमुख की पुरुषों की नस्ल की जरूरत है। वह उस वर्ष 2 अन्य फिल्मों में और मिसेज खाना और लंदन ड्रीमर्स में दिखाई दिए कि खान की 2010 की पहली रिलीज अनिल शर्मा की फिल्म वीर थी। अपनी अगली फिल्म दबंग में खान ने फिल्म में हास्य की प्रभाव के साथ एक निडर पुलिस वाले की भूमिका निभाई। इकोनॉमिक्स की टाइम्स ने फिल्म को निर्जीवता पर उच्चारण और कथानक की और विश्वसनीयता के मामले में पूर्ण असंगति होने के बावजूद अपनी व्यवसायी की सफलता के उल्लेखनीय बताया कि टाइम्स ने उद्योग को भी नोट किया। विशेषज्ञों ने फिल्म की लोकप्रियता का श्रेय खान की उपस्थिति को देते हुए कहा कि वे इसकी ऑक्शन का श्रेय सलमान खान की स्टार करिश्मे को देती है जो चुलबुले पांडे की अंतिम सीन्स की अभिव्यक्ति को बेलगाम उत्साह और जोश के साथ निभाती में कामयाब रहे हैं। और दबंग ने संपूर्ण की मनोरंजन प्रदान करने वाली लोकप्रिय फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की सहित कई पुरस्कार जीते। इसे बाद में तमिल और तेलुगु में बनाया गया था। फिल्म का निर्माण उनकी भाई अरबाज खान ने किया था। हिंदुस्तान टाइम्स के द्वारा रिपोर्ट किया गया था कि फिल्म पूरे देश में खचाखच की भरी हुई थी। खान को उनकी प्रदर्शन के लिए अभिनेता के लिए स्टार स्क्रीन अवार्ड और स्टार ऑफ द ईयर मेल के लिए स्टारडस्ट अवार्ड मिला। उन्हें अभिनेता के लिए उनकी 6वें फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए भी नामांकित किया गया। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड की सुपर स्टार सलमान खान की करियर की सबसे बड़ी मूवी जिसका नाम है किसी का भाई किसी का जान। तो दोस्तों, अगर आप भी सलमान खान के फैन हो और अगर आप किसी का भाई किसी की जान मूवी को देखना चाहते हो और साथ ही साथ इस मूवी को बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को जानना चाहते हो तो इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना नाम भी ना भूलिएगा
किसी का भाई किसी की जान, अनुवाद किसी का भाई किसी का प्रेम, जिसे प्रभमिंग कैया के नाम से भी जाना जाता है, फराज सामजी की द्वारा निर्देशित और सलमान खान फिल्म के द्वारा निर्मित 2023 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है। फिल्म में सलमान खान, पूजा हेगड़े, वेंकटेश और जगपति बाबू ने सहायक कलाकारों को टुकड़ी के साथ अभिनय किया। यह फिल्म तमिल फिल्म वीरम 2014 की रीमेक है और किसी का भाई किसी की जान की सलमान खान के लिए ही और देवटंडी के लिए और कुछ प्राण सिंह की किसी का भाई किसी की जान की 21 अप्रैल 2023 को ईद की त्यौहार के मौके पर नाटकीय रूप से रिलीज हुई। फिल्म को समीक्षकों से मिश्रित समीक्षाएं मिली। किसी का भाई किसी की जान ने दुनिया भर में 60 से 47 करोड़ से अधिक की कमाई की है, जो 2023 में एक हिंदी फिल्म की द्वारा चौथी सबसे कमाई है। इस खंड की विस्तार की जरूरत है, आप इसे जोड़कर मदद कर सकती है। भाई जान एक आत्मरक्षा परिचय है जो अपने भाइयों के साथ खुशी से रहता है और किसी के साथ विवादों को निपटाने के लिए हिस्सा का उपयोग करता है, लेकिन अपनी तेलुगु आधारित प्रेमिका की भाग्य लक्ष्मी के लिए अपने तरीके सुधारने का फैसला करता है। हालांकि भाईजान को पता चलता है कि भाग्य लक्ष्मी का परिवार राउडी आना के साथ अपने पिछले प्रतिद्वंदी के कारण मुश्किल में है और उनकी जानकारी बिना उनकी रक्षा करने के लिए निकल पड़ता है। निर्देशन के फरहान खान ने और अवतार के लिए ही समझे सामजी ने शुरुआत में 2014 की तमिल फिल्म वीरम को अक्षय कुमार के साथ बचपन के पांडे पहले ही टाइटल लैंड ऑफ लुंगी के रूप में रीमेक करने की मांग की थी। हालांकि बाद में उन्होंने बचपन पांडे की पटकथा को बदलकर एक और तमिल फिल्म जिगर ठंडा का रीमेक बनाया, जैसा कि नडियाडवाला ग्रेडेशन एंटरटेनमेंट के पास दोनों फिल्मों की रीमेक अधिकार थे। सामजी ने वीरम की कहानी को बदल दिया और सलमान खान को खड़ा कर दिया, जिन्होंने फिल्म को स्वीकार कर लिया। बाद में नडियाडवाला की परियोजना से बाहर चले गए और खान को अधिकार दे दिए, जिन्होंने फिर अपने बहना सलमान खान फिल्म्स के तहत फिल्म बनाने का फैसला किया। फिल्म की घोषणा 10 जनवरी 2020 को कभी ईद कभी दिवाली शीर्षक के साथ की गई थी। हालांकि बाद में इसे लंबे समय के लिए स्थगित कर दिया गया था और 19 महामारी के कारण कई प्री प्रोडक्शन देरी का सामना करना पड़ा और बाद में इसे कथित सिंसा की भाईजान के साथ पुनर्जीवित किया गया कि हालांकि अगस्त 2022 में फिल्म की आधिकारिक का सिंसा की घोषणा किसी का भाई किसी के जान के रूप में भी की गई थी। फरवरी 2020 में की गई थी कि किसी का भाई पूजा हेगड़े और वास की पूजा हेगड़े को महिला प्रधान के रूप में साइन किया गया था। दिसंबर 2021 में वेंकटेश की कलाकारों में शामिल हो गए। उन्होंने तकदीरवाला 1995 के बाद हिंदी सिनेमा में वापसी की फिल्म में खान की भाइयों की भूमिका निभाने के लिए जसली की गिल, सिद्धार्थ निगम और राघव जुयाल को लिया गया था। पंजाबी सिनेमा अभिनेत्री शहनाज गिल, दक्षिण भारतीय सिनेमा अभिनेत्री मालविका शर्मा, नौसिखिया पलक तिवारी और मुक्केबाज की राजनीति की विजेंद्र सिंह को साइन किया गया, जिसने फिल्म के साथ अपनी हिंदी फिल्म की शुरुआत की। जगपति बाबू को एक महत्वपूर्ण की भूमिका निभाने के लिए साइन किया गया था। आसिफ शेख को प्रमुख की भूमिका निभाने के लिए साइन किया गया था। रामचरण को एक विशेष उपस्थिति के लिए चुना गया था। प्रधान फोटोग्राफी 12 मई 2022 को मुंबई में शुरू हुई, बाद में जून में प्रोडक्शन हैदराबाद चला गया। अगस्त 2022 में लचाक में कुछ हिस्सों के साथ एक गाना फिल्माया गया था। फरवरी 2023 में फिल्म की शूटिंग पूरी कर ली गई थी। फिल्म का टीचर लिंक और 2023 के लिए ही
फिल्म का टीजर 25 जनवरी 2023 को पठान के साथ रिलीज किया गया था। फिल्म का आधिकारिक का ट्रेलर 10 अप्रैल 2023 को जारी किया गया था। फिल्म को ईद की मौके पर 21 अप्रैल 2023 को नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था। फिल्म को दुनिया भर में 57 स्क्रीनों पर रिलीज किया गया, जिसमें भारत में 4500 स्क्रीन और विदेशी बाजार में 1200 स्क्रीन शामिल है। आलोचनात्मक की स्वीकारता, बॉलीवुड हंगामा ने फिल्म को 5 में से 35 रेटिंग दी और लिखा किसी का भाई किसी की जान सलमान खान की प्रशंसकों के लिए एक आदर्श की ईद उपहार है। फर्स्ट पोस्ट की गणेश की आग लवे ने फिल्म को 5 में से 35 रेटिंग दी और लिखा कि सलमान खान दमदार सवारों और बड़े पैमाने पर एक्शन दृश्यों को संयोजन के साथ स्वेग और अंतिम उपस्थिति के साथ हमेशा स्क्रीन पर राज करता है। डीएन नए इंडिया के सिमरन सिंह ने फिल्म को 5 में से 3 रेटिंग दी और लिखा किसी का भाई किसी की जान एक सच्ची कहानी बलू सलमान खान की फिल्म एक पूर्ण परिवार की मनोरंजन फिल्म की जिसकी उनकी प्रशंसकों ने कई वर्षों उम्मीद की थी। एक्शन ड्रामा रोमांस और कॉमेडी जो सलमान खान की फिल्मों को पैटर्न है, विशेष रूप से सलमान खान की एंट्री और वेंकटेश की लड़ाई और रामचरण का कैमियो उसे देखने की लायक बनता है। द टाइम्स ऑफ इंडिया की रौनक कोटेजा ने फिल्म को 25 रेट किया 5 में से और लिखा कि यह सलमान खान स्टार एक बार फिर अपने कट्टर प्रशंसकों के लिए गैलरी में खेलती है। यह क्रूर हिस्सा और ढेर सारे ड्रामा के साथ एक लार्जर देन लाइफ एक्शन है। स्क्राइनल की इन दोनों की हालांकि द वर्ल्ड की स्क्राइन इन ने लिखा कि प्रसार में सलमान खान की फिल्म के सभी विशिष्ट तत्व शामिल हैं, लेकिन उनकी पिछली कुछ फिल्मों की तुलना में आधी की विवेक प्रून की मात्रा में। द इंडियन एक्सप्रेस की शुभा गुप्ता ने लिखा हर सलमान खान का थका हुआ अकलपति की समामेलन की संस्करण। एनडीटीवी की सैबल चटर्जी ने विशाल अनुपात का उपहास लिखा था कि सुकन्या वर्मा ने फिल्म को 5 में से 1 रेटिंग दी है और लिखा सलमान खान अपनी फार्मूले की रट में इतने गहरे हैं कि उन्हें पता है कि कुछ और बंक करना है। मोनिका रावत हिंदुस्तान टाइम्स की कुकरेजा ने लिखा जोरदार और संवेदनहीन की सलमान खान का किंग पेस्ट का आपको कहता है कि इसे रोको भाईजान। द हिंदू की विशाल की शिलाजीत की मित्रा ने लिखा कि कष्टप्रद उदासीन और अपनी लुप्त पुत्र होते कि सुपरस्टार के लिए खाली सतुर्थ से भरा हुआ किसी का भाई किसी का जाते अपने पहले दिन भारत में 15 से 81 करोड़ मिलियन और विदेशों में 9 से 57 करोड़ मिलियन की कमाई की और 25 से 38 करोड़ मिलियन की कमाई की। 22 अप्रैल 2023 तक फिल्म ने भारत में 39 से 38 करोड़ की कमाई मिलियन की और विदेशों में 1 से 99 करोड़ मिलियन की कमाई की और दुनिया भर में 60 से 47 करोड़ मिलियन का सकल संग्रह किया। सलमान खान की पटकथा और लेखन सलीम खान और उनकी पहली पत्नी सुशीला चरक से बड़े बेटे हैं जिन्होंने सलमान नाम अपनाया था। 27 दिसंबर 1965 को एक मुस्लिम पिता और हिंदू माँ से जन्म खान का पालन पोषण दोनों धर्मों में हुआ। 1981 में जब सलीम ने अभिनेत्री हेलेन से शादी की तो उनके पिता के साथ बच्चों को संबंध शत्रुतापूर्ण हो गए और केवल वर्षों बाद ठीक हो गए। माना जाता है कि सलमान खान के दादा दादी अफगानिस्तान की अलाकोजई पश्तून थे जो 1800 के दशक की मध्य में इंदौर रेजिडेंसी की अब मध्य प्रदेश में ब्रिटिश भारत में आकार बस गए थे। हालांकि जसीम खान ने अभिनेता की अपनी जीवनी में कहा है कि उनके पूर्वज उत्तर पश्चिम सीमांत के प्रांत ब्रिटिश भारत वर्तमान में खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान की स्वात घाटी
में मुलाकात से यूसुफ फजई पश्तूने की अपूजाए उप की जनजाति के थे। उनके दादा अब्दुल रशीद खान इंदौर रजय की एक की उप की महानिरीक्षक थे, जिन्हें ये होलकर की टाइमस के दले जंग के पुरस्कार थे सम्मानित किया गया था। कि खान की मां एक गृहिणी है जिनके पिता बलदेव सिंह चरक एक डोगरा राजपूत जम्मू और कश्मीर में जम्मू से आते और जिनकी मराठी महाराष्ट्र से आती है। खान की हिंदी और अंग्रेजी के अलावा मराठी भी बोल सकते हैं। उनके दो भाई हैं अरबाज खान और सुहेल खान और दो बहनें अलवीरा खान अग्निहोत्री, जिनकी शादी अभिनेता निर्देशन अतुल अग्निहोत्री से हुई है, और एक दलित बहन की अप्रीता। सलमान ने अपने छोटे भाइयों अरबाज और सुहेल की तरह मुंबई की ब्रांडों में स्टेट की स्टेटिनिस्लास की हाई स्कूल में अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की। पहले उन्होंने अपने छोटे भाई अरबाज के साथ कुछ वर्षों तक ग्वालियर सिंधिया स्कूल में अध्ययन किया। उन्होंने मुंबई स्टेट की जेवी वर्ष कॉलेज में पढ़ाई की, लेकिन पढ़ाई छोड़ दी। शुरुआत और सफलता। खान ने अभिनय की शुरुआत की 1988 की फिल्म बीवी हो तो ऐसी की जिसमें उन्होंने एक सहायक की भूमिका निभाई। उन्होंने सूरज आर बरजातिया की रोमांटिक परिवारिक ड्रामा मैंने प्यार किया 1979 में मुख्य भूमिका निभाई, जो उस समय की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों से एक बन गई। इससे उन्हें ही सर्वश्रेष्ठ पुरुष की पदार्पण के लिए नामांकन के साथ फिल्म फेयर में अभिनेता के लिए अपना पहला नामांकन अर्जित किया। मैंने प्यार किया को अंग्रेजी में वह लॉकलॉस की स्पेनिश में तो ओमो और तेलुगु में प्रेमा पौरा के रूप में डब किया गया था। 1990 में खान बागी अभिनीत एक फिल्म रिलीज हुई जो बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। इसके बाद 1991 में तीन मामूली सफल फिल्में आई, पत्थर के फूल, सनम बेवफा, लव और कुर्बान। उसी वर्ष खान ने रोमांटिक ड्रामा साजन संजय की दर्द और माधुरी त्रिजीत के साथ सह कलाकार के रूप में काम किया। 1992 में वह सूर्यवंशी, जगृति के नीचे और एक लड़का एक लड़की में दिखाई दिए। यह वर्ष उनके लिए सफल वर्ष नहीं रहा क्योंकि चारों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर असफल रही। 1994 में खान राजकुमार संतोषी की अंदाज अपना अपना में आमिर खान के साथ दिखाई दी। अपनी रिलीज के समय फिल्म बॉक्स ऑफिस पर असफल रही, लेकिन वर्षों में इसने एक क्लट का दर्जा हासिल कर लिया। बाद के वर्षों में उन्होंने निर्देशन की सूरज बरजातिया के साथ रोमांस हम आपकी है कौन, सह कलाकार की माधुरी त्रिजीत, 1995 की पुरस्कारों की मौसम के दौरान फिल्म ने फिल्म की निर्देशन और अभिनेत्री के लिए तीन फिल्मफेयर पुरस्कार जीती। इसने वर्ष की सबसे लोकप्रिय फिल्म होने का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी जीता। दुनिया भर में 2 मिलियन से अधिक की कमाई करने वाली यह फिल्म साल की सबसे बड़ी बॉलीवुड हिट और तब तक की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई। यह बॉक्स ऑफिस इंडिया के हिंदी सिनेमा में अब तक की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर की सूची में से एक है। बॉक्स ऑफिस इंडिया के अनुसार 2 से 6 में यह अब तक की चौथी सबसे अधिक कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म थी। 1995 में उन्होंने राकेश रोशन की करण अर्जुन में शाहरुख खान के साथ अभिनय किया। दो खेले गए भाई को जो परिवार की दुश्मनों के द्वारा मारे जाने के बाद पुनर्जन्म लेते हैं करण के रूप में। उनकी भूमिका ने उन्हें 1995 की फिल्म फेयर अभिनेता पुरस्कार के लिए नामांकित किया। 1996 में खान ने संजय लीला भंसाली की पहली निर्देशन फिल्म खामोशी द म्यूजिकल में प्रदर्शन किया। वह और राज कंवर की एक्शन हिट जीत में भी दिखाई दिए। 1997 में उनकी दो रिलीज हुई, जुड़िया और औजार, पहली देवी धवन की द्वारा निर्देशित एक कॉमेडी थी जिसमें उन्होंने जुड़वा बच्चों की दोहरी भूमिका निभाई थी जो जन्म के समय अलग हो गए थे। खान ने 1998 में 5 अलग अलग फिल्मों में काम किए। उनकी पहली रिलीज रोमांटिक कॉमेडी फिल्म प्यार किया तो डरना किया काजल के साथ थी, जो उस साल की सबसे बड़ी व्यवसायी की सफलताओं में से एक थी। इसके बाद मखियम की रूप से सफल नाटक जब प्यार किसी से होता है आया, जिसमें
आया जिसमें खान ने एक युवा की भूमिका निभाई जिसे एक बच्चे को अपने कब्जे में लेना है जो उसका बेटा होने का वादा दावा करता है। फिल्म में खान की प्रदर्शन ने अनुकूल आलोचनात्मक की समीक्षा अर्जित की। उन्होंने करण जौहर की निर्देशन में बनी पहली फिल्म कुछ कुछ होता है मैं एक विस्तारित कैमियो को भी किया था और जिसने उन्हें आलोचनात्मक की प्रशंसा और सहायक की अभिनेता श्रेणी के तहत दूसरा फिल्म फेयर पुरस्कार अर्जित किया। 1999 में खान ने 3 फिल्मों में अभिनय किया हम साथ साथ हैं बीवी नंबर 1 और हम दिल दे चुके सनम में ऐत्रेय राय और अजय देवगन के साथ जिसने उन्हें फिल्म फेयर पुरस्कार में एक और अभिनेता का नामांकन दिलाया। फिल्म में उनकी प्रदर्शन की सकारात्मक की समीक्षा की गई जिसमें रेडिफ की शर्मिला टेलीकूब ने कहा सलमान प्यारी है वह नाटकीय दृश्यों में हैम करते हैं लेकिन कॉमेडी और उन रोमांटिक दृश्यों को करने में बहुत सहज दिखती है। 2001 में खान चोरी चोरी चुपके चुपके में दिखाई दिए जिसने सरोगेट बच्चे की जन्म की कुछ मूंछों की संबोधित किया। इसमें खान ने एक अमीर उद्योगपति की भूमिका निभाई जो अपनी पत्नी की बाज हो जाने के बाद सरोगेट माँ को काम पर रखता है। रेडिफ की सुकन्या वर्मा ने लिखा है कि फिल्म की कहानी बेतुकी है लेकिन इसमें कलाकारों की सहज प्रदर्शन भी है इससे कि इसकी अन्य खामियों को कम करने में मदद मिली है। 2002 में उन्होंने हम तुम्हारे हाय सनम में अभिनय किया तेरे नाम 2003 के लिए तरन आदर्श ने उनके बारे में कहा सलमान खान एक ऐसी भूमिका में असाधारण है जो उन्हें टी के लिए उपयुक्त बनाती है वह दूसरों में आ की सांस लेती है जो बेचैनी की मांग करते लेकिन कठिन भारी के नीचे एक कमजोर रहती है और यह पहलू अंतर है कि बाद की रीलों में विशेष रूप से सामने आता है उनकी भावनात्मक की विस्फोट। शानदार है निर्देशन की सतीश कौशिक ने फिल्म में खान के कम को मजबूत माना इसके बारे में कहा सलमान ने फिल्म में शानदार प्रदर्शन किया है कि उन्होंने एक त्रियो की अपरंगात की प्रदर्शन दिया है मेरा मानना है कि यह सलमान की करियर का अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन है उनका करियर मुझसे शादी करोगी और ना एंटीजैसी कॉमेडी के साथ आगे बढ़ा। खान ने 2007 की शुरुआती कलाकारों को टुकड़ी की फिल्म सलाम ए इश्क की ही वह अमेरिकी अभिनेत्री ओली लटर के साथ हॉलीवुड फिल्म की मैरी गोल्ड में दिखाई दी। फिल्म में एक भारतीय पुरुष और एक अमेरिकी महिला की प्रेम कहानी बताई गई थी। खान ने 2009 के दौरान गेम शो 10 दम के दूसरे सीजन की मेजबानी की बीज एशिया यूके की 2008 की एक रिपोर्ट के अनुसार इस शो ने सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन के लिए भारतीय टेलीविजन रेटिंग में अपना तीसरा स्थान हासिल करने के लिए प्रपात लक्ष्य रेटिंग अंक TRP अर्जित किए और यह कोरियोग्राफर से निर्देशन बने प्रभु देवा की द्वारा निर्देशित वांटेड में दिखाई दिए। फिल्म को मित्र की समीक्षाएं मिली बॉलीवुड हंगामा के दौरान आर्दश ने इसे 5 में से 4 रेटिंग दी। वांटेड सलमान खान की स्टार पावर पर सवारी करते हैं वह शहर में सबसे अच्छा अभिनेता नहीं हो सकता लेकिन वांटेड जैसी फिल्म में एक ऐसी भूमिका जो उसकी वैधता के विस्तार की तरह लगती है आप इस भूमिका को फलने फूलने के लिए किसी और के बारे में नहीं सोच सकते हैं। खान को मजा आ रहा होगा लेकिन तथ्य यह है कि वांटेड जैसी फिल्म इस बात को रेखांकित करती है कि बॉलीवुड को किस तरह युवक की प्रमुख की पुरुषों की नस्ल की जरूरत है। वह उस वर्ष 2 अन्य फिल्मों मैं और मिसेज खाना और लंदन ड्रीमर्स में दिखाई दिए कि खान की 2010 की पहली रिलीज अनिल शर्मा की फिल्म वीर थी। अपनी अगली फिल्म दबंग में खान ने फिल्म में हास्य की प्रभाव के साथ एक निडर पुलिस वाले की भूमिका निभाई। इकोनॉमिक्स की टाइम्स ने फिल्म को निर्जीवता पर उच्चारण और कथानक की और विश्वसनीयता के मामले में पूर्ण असंगति होने के बावजूद अपनी व्यवसायिक सफलता के उल्लेखनीय बताया कि टाइम्स ने उद्योग को भी
नोट किया। विशेषज्ञों ने फिल्म की लोकप्रियता का श्रेय खान की उपस्थिति को देते हुए कहा कि वे इसकी एक्शन का श्रेय सलमान खान की स्टार करिश्मे को देती है, जो चुलबुले पांडे की अंतिम सीन्स की अभिव्यक्ति को बेलगाम उत्साह और जोश के साथ निभाती में कामयाब रहे हैं। और दबंग ने संपूर्ण की मनोरंजन प्रदान करने वाली लोकप्रिय फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की सहित कई पुरस्कार जीते। इसे बाद में तमिल और तेलुगु में बनाया गया था। फिल्म का निर्माण उनकी भाई अरबाज खान ने किया था। हिंदुस्तान टाइम्स के द्वारा रिपोर्ट किया गया था कि फिल्म पूरे देश में खचाखच की भरी हुई थी। खान को उनकी प्रदर्शन के लिए अभिनेता के लिए स्टार स्क्रीन अवार्ड और स्टार ऑफ द ईयर मेल के लिए स्टार डस्ट अवार्ड मिला। उन्हें अभिनेता के लिए उनकी छठे फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए भी नामांकित किया गया। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड की सुपरस्टार सलमान खान की करियर की सबसे बड़ी मूवी, जिसका नाम है किसी का भाई किसी का जान। तो दोस्तों, अगर आप भी सलमान खान के फैन हो और अगर आप किसी का भाई किसी की जान मूवी को देखना चाहते हो और साथ ही साथ इस मूवी को बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को जानना चाहते हो तो इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना नाम भी ना भूलिएगा। किसी का भाई किसी की जान अनुवाद किसी का भाई किसी का प्रेम, जिसे प्रभामिंग कैया के नाम से भी जाना जाता है, फराज सामजी की द्वारा निर्देशित और सलमान खान फिल्म की द्वारा निर्मित 2023 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है। फिल्म में सलमान खान, पूजा हेगड़े, वेंकटेश और जगपति बाबू ने सहायक कलाकारों को टुकड़े के साथ अभिनय किया। यह फिल्म तमिल फिल्म वीरम 2014 की रीमेक है और किसी का भाई किसी की जान की सलमान खान के लिए ही और देवटंडी के लिए और कुछ प्राण सिंह की किसी का भाई किसी की जान की 21 अप्रैल 2023 को ईद की त्यौहार के मौके पर नाटकीय रूप से रिलीज हुई। फिल्म को समीक्षकों से मिश्रित समीक्षाएं मिली। किसी का भाई किसी की जान ने दुनिया भर में 60 से 47 करोड़ से अधिक की कमाई की है, जो 2023 में एक हिंदी फिल्म की द्वारा चौथी सबसे कमाई है। इस खंड की विस्तार की जरूरत है, आप इसे जोड़कर मदद कर सकती है। भाई जान एक आत्मरक्षा परिचय है जो अपने भाइयों के साथ खुशी से रहता है और किसी के साथ विवादों को निपटाने के लिए हिस्सा का उपयोग करता है, लेकिन अपनी तेलुगु आधारित प्रेमिका की भाग्य लक्ष्मी के लिए अपने तरीके सुधारने का फैसला करता है। हालांकि भाईजान को पता चलता है कि भाग्य लक्ष्मी का परिवार राउडी आना के साथ अपने पिछले प्रतिद्वंदी के कारण मुश्किल में है और उनकी जानकारी बिना उनकी रक्षा करने के लिए निकल पड़ता है। निर्देशन की फरहान खान ने और अवतार के लिए ही समझे सामजी ने शुरुआत में 2014 की तमिल फिल्म वीरम को अक्षय कुमार के साथ बचपन की पांडे पहले ही टाइटल लैंड ऑफ लुंगी के रूप में रीमेक करने की मांग की थी। हालांकि बाद में उन्होंने बचपन पांडे की पटकथा को बदलकर एक और तमिल फिल्म जिगर ठंडा का रीमेक बनाया, जैसा कि नडियाडवाला ग्रेडेशन एंटरटेनमेंट की पास दोनों फिल्मों की रीमेक अधिकार थे। सामजी ने वीरम की कहानी को बदल दिया और सलमान खान को खड़ा कर दिया, जिन्होंने फिल्म को स्वीकार कर लिया। बाद में नडियाडवाला की परियोजना से बाहर चले गए और खान को अधिकार दे दिए, जिन्होंने फिर अपने बैनर सलमान खान फिल्म्स के तहत फिल्म बनाने का फैसला किया। फिल्म की घोषणा 10 जनवरी 2020 को कभी ईद कभी दिवाली शीर्षक के साथ की गई थी। हालांकि बाद में इसे लंबे समय के लिए स्थगित कर दिया गया था और 19 महामारी के कारण कई प्री प्रोडक्शन देरी का सामना करना पड़ा और बाद में इसे कथित सिंसा की भाईजान के साथ पुनर्जीवित किया गया कि हालांकि अगस्त 2022 में फिल्म की आधिकारिक सिंसा की घोषणा किसी का भाई किसी के जान के रूप में भी की गई थी।
फरवरी 2020 में की गई थी कि किसी का भाई पूजा हेगड़े और वास की पूजा हेगड़े को महिला प्रधान के रूप में साइन किया गया था। दिसंबर 2021 में वेक्टेंस की कलाकारों में शामिल हो गए। उन्होंने तकदीरवाला 1995 के बाद हिंदी सिनेमा में वापसी की फिल्म में खान की भाइयों की भूमिका निभाने के लिए जसली की गिल, सिद्धार्थ निगम और राघवा जुयाल को लिया गया था। पंजाबी सिनेमा अभिनेत्री शहनाज गिल, दक्षिण भारतीय सिनेमा अभिनेत्री मालविका शर्मा, नौसिखिया पलक तिवारी और मुक्केबाज की राजनीति की विजेंद्र सिंह को साइन किया गया, जिसने फिल्म के साथ अपनी हिंदी फिल्म की शुरुआत की। जगपति बाबू को एक महत्वपूर्ण की भूमिका निभाने के लिए साइन किया गया था। आसिफ शेख को प्रमुख की भूमिका निभाने के लिए साइन किया गया था। रामचरण को एक विशेष उपस्थिति के लिए चुना गया था। प्रधान फोटोग्राफी 12 मई 2022 को मुंबई में शुरू हुई, बाद में जून में प्रकाशन हैदराबाद चला गया। अगस्त 2022 में लचाक में कुछ हिस्सों के साथ एक गाना फिल्माया गया था। फरवरी 2023 में फिल्म की शूटिंग पूरी कर ली गई थी। फिल्म का टीजर लिंक और 2023 के लिए ही फिल्म का टीजर 25 जनवरी 2023 को पठान के साथ रिलीज किया गया था। फिल्म का आधिकारिक का ट्रेलर 10 अप्रैल 2023 को जारी किया गया था। फिल्म को ईद की मौके पर 21 अप्रैल 2023 को नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था। फिल्म को दुनिया भर में 57 स्क्रीनों पर रिलीज किया गया, जिसमें भारत में 4500 स्क्रीन और विदेशी बाजार में 1200 स्क्रीन शामिल है। आलोचनात्मक की स्वीकारता, बॉलीवुड हंगामा ने फिल्म को 5 में से 35 रेटिंग दी और लिखा, किसी का भाई किसी की जान सलमान खान की प्रशंसकों के लिए एक आदर्श की ईद उपहार है। फर्स्ट पोस्ट की गणेश की आग लवे ने फिल्म को 5 में से 35 रेटिंग दी और लिखा कि सलमान खान दमदार सवारों और बड़े पैमाने पर एक्शन दृश्यों को संयोजन के साथ स्वेग और अंतिम उपस्थिति के साथ हमेशा स्क्रीन पर राज करता है। डीएन नए इंडिया के सिमरन सिंह ने फिल्म को 5 में से 3 रेटिंग दी और लिखा, किसी का भाई किसी की जान एक सच्ची कहानी, बलू सलमान खान की फिल्म एक पूर्ण परिवार की मनोरंजक फिल्म की जिसकी उनकी प्रशंसकों ने कई वर्षों उम्मीद की थी। एक्शन ड्रामा रोमांस और कॉमेडी जो सलमान खान की फिल्मों को पैटर्न है, विशेष रूप से सलमान खान की एंट्री और वेक्टिस की लड़ाई और रामचरण का कैमियो उसे देखने के लायक बनता है। द टाइम्स ऑफ इंडिया की रौना कोटेजा ने फिल्म को 25 रेट किया 5 में से और लिखा कि यह सलमान खान स्टार एक बार फिर अपने कट्टर प्रशंसकों के लिए गैलरी में खेलती है। यह क्रूर हिस्सा और ढेर सारे ड्रामा के साथ एक लार्जर देन लाइफ एक्शन है। स्क्राइनल की इन दोनों की हालांकि ही द वर्ल्ड की स्क्राइन इन ने लिखा कि प्रसार में सलमान खान की फिल्म के सभी विशिष्ट तत्व शामिल हैं, लेकिन उनकी पिछली कुछ फिल्मों की तुलना में आधी की विवेक प्रून की मात्रा में। द इंडियन एक्सप्रेस की शुभा गुप्ता ने लिखा, हर सलमान खान का थका हुआ अकलापति की समामेलन की संस्करण NDTV की सैबल चटर्जी ने विशाल अनुपात का उपहास लिखा था कि सुकन्या वर्मा ने फिल्म को 5 में से 1 रेटिंग दी है और लिखा, सलमान खान अपनी फार्मूले की रट में इतने गहरे हैं कि उन्हें पता है कि कुछ और बंक करना है। मोनिका रावत हिंदुस्तान टाइम्स की कुकरेजा ने लिखा, जोरदार और संवेदनहीन की सलमान खान का किंग पेस्ट का आपको कहता है कि इसे रोको भाईजान। द हिंदू की विशाल की शिलाजीत की मित्रा ने लिखा कि कष्टप्रद उदासीन और अपनी लुप्त पुत होते कि सुपरस्टार के लिए खाली सतोर्त से भरा हुआ किसी का भाई किसी का जाते
अपने पहले दिन भारत में 15 से 81 करोड़ मिलियन और विदेशों में 9 से 57 करोड़ मिलियन की कमाई की और 25 से 38 करोड़ मिलियन की कमाई की। 22 अप्रैल 2023 तक फिल्म ने भारत में 39 से 38 करोड़ की कमाई मिलियन की और विदेशों में 1 से 99 करोड़ मिलियन की कमाई की और दुनिया भर में 60 से 47 करोड़ मिलियन का सकल संग्रह किया। सलमान खान की पटकथा और लेखन सलीम खान और उनकी पहली पत्नी सुशीला चरक से बड़े बेटे है जिन्होंने सलमा नाम अपनाया था। 27 दिसंबर 1965 को एक मुस्लिम पिता और हिंदू माँ से जन्म खान का पालन पोषण दोनों धर्मों में हुआ। 1981 में जब सलीम ने अभिनेत्री हेलेन से शादी की तो उनके पिता के साथ बच्चों को संबंध शत्रुतापूर्ण हो गए और केवल वर्षों बाद ठीक हो गए। माना जाता है कि सलमान खान के दादा दादी अफगानिस्तान की अलाकोजई पश्तून थे जो 1800 के दशक की मध्य में इंदौर रेजिडेंसी की अब मध्य प्रदेश में ब्रिटिश भारत में आकार बस गए थे। हालांकि जसीम खान ने अभिनेता की अपनी जीवनी में कहा है कि उनके पूर्व उत्तर पश्चिम सीमांत के प्रांत ब्रिटिश भारत वर्तमान में खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान की स्वात घाटी में मलाकंद से यूसुफ अजय पश्तूने की अहुजाए उप की जनजाति के थे। उनके दादा अब्दुल रशीद खान इंदौर रजय की एक की उप की महानिरीक्षक थे जिन्हें होलकर की टाइम्स के दले जंग के पुरस्कार थे सम्मानित किया गया था। कि खान की मां एक गृहिणी है जिनके पिता बलदेव सिंह चरक एक डोगरा राजपूत जम्मू और कश्मीर में जम्मू से आते और जिनकी मराठी महाराष्ट्र से आती है। खान की हिंदी और अंग्रेजी के अलावा मराठी भी बोल सकते हैं। उनके दो भाई हैं अरबाज खान और सुहेल खान और दो बहनें अलवीरा खान अग्निहोत्री जिनकी शादी अभिनेता निर्देशन अतुल अग्निहोत्री से हुई है और एक दलित बहन की अप्रीता। सलमान ने अपने छोटे भाइयों अरबाज और सुहेल की तरह मुंबई की ब्रांडों में स्टेट की स्टेटिनिसलास की हाई स्कूल में अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की। पहले उन्होंने अपने छोटे भाई अरबाज के साथ कुछ वर्षों तक ग्वालियर सिंधिया स्कूल में अध्ययन किया। उन्होंने मुंबई स्टेट की जेवी वर्ष कॉलेज में पढ़ाई की लेकिन पढ़ाई छोड़ दी। शुरुआत और सफलता खान ने अभिनय की शुरुआत की 1988 की फिल्म बीवी हो तो ऐसी की जिसमें उन्होंने एक सहायक की भूमिका निभाई। उन्होंने सूरज आर बरजातिया की रोमांटिक परिवारिक ड्रामा मैंने प्यार किया 1979 में मुख्य भूमिका निभाई जो उस समय की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों से एक बन गई। इससे उन्हें ही सर्वश्रेष्ठ पुरुष की पदार्पण के लिए नामांकन के साथ फिल्म फेयर में अभिनेता के लिए अपना पहला नामांकन अर्जित किया। मैंने प्यार किया को अंग्रेजी में वह लॉकलॉस की स्पेनिश में तो ओमो और तेलुगु में प्रेमा पौरा के रूप में डब किया गया था। 1990 में खान बागी अभिनीत एक फिल्म रिलीज हुई जो बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। इसके बाद 1991 में 3 मामूली सफल फिल्में आई पत्थर के फूल सनम बेवफा लव और कुर्बान। उसी वर्ष खान ने रोमांटिक ड्रामा साजन संजय की दर्द और माधुरी त्रिजीत के साथ सह कलाकार के रूप में काम किया। 1992 में वह सूर्यवंशी जगृति के नीचे और एक लड़का एक लड़की में दिखाई दिए। यह वर्ष उनके लिए सफल वर्ष नहीं रहा क्योंकि चारों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर असफल रही। 1994 में खान राजकुमार संतोषी की अंदाज अपना अपना में आमिर खान के साथ दिखाई दी। अपनी रिलीज के समय फिल्म बॉक्स ऑफिस पर असफल रही लेकिन वर्षों में इसने एक क्लट का दर्जा हासिल कर लिया। बाद की वर्षों में उन्होंने निर्देशन की सूरज बरजातिया के साथ रोमांस हम आपकी है कौन सह कलाकार की माधुरी त्रिजीत 1995 की पुरस्कारों की मौसम के दौरान फिल्म ने फिल्म की निर्देशन और अभिनेत्री के लिए
लिए 3 फिल्मफेयर पुरस्कार जीती। इसने वर्ष की सबसे लोकप्रिय फिल्म होने का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी जीता। दुनिया भर में 2 मिलियन से अधिक की कमाई करने वाली यह फिल्म साल की सबसे बड़ी बॉलीवुड हिट और तब तक की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई। यह बॉक्स ऑफिस इंडिया के हिंदी सिनेमा में अब तक की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर की सूची में से एक है। बॉक्स ऑफिस इंडिया के अनुसार 2 से 6 में यह अब तक की चौथी सबसे अधिक कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म थी। 1995 में उन्होंने राकेश रोशन की करण अर्जुन में शाहरुख खान के साथ अभिनय किया। दो खेले गए भाई को जो परिवार के दुश्मनों के द्वारा मारे जाने के बाद पुनर्जन्म लेते हैं। करण के रूप में उनकी भूमिका ने उन्हें 1995 की फिल्म फेयर अभिनेता पुरस्कार के लिए नामांकित किया। 1996 में खान ने संजय लीला भंसाली की पहली निर्देशन फिल्म खामोशी द म्यूजिकल में प्रदर्शन किया। वह और राज कंवर की एक्शन हिट जीत में भी दिखाई दिए। 1997 में उनकी 2 रिलीज हुई, जुड़िया और औजार। पहली देवी धवन की द्वारा निर्देशित एक कॉमेडी थी जिसमें उन्होंने जुड़वा बच्चों की दोहरी भूमिका निभाई थी जो जन्म के समय अलग हो गए थे। खान ने 1998 में 5 अलग अलग फिल्मों में काम किए। उनकी पहली रिलीज रोमांटिक कॉमेडी फिल्म प्यार किया तो डरना किया काजल के साथ थी जो उस साल की सबसे बड़ी व्यवसायी की सफलताओं में से एक थी। इसके बाद मध्यम के रूप से सफल नाटक जब प्यार किसी से होता है आया जिसमें खान ने एक युवा की भूमिका निभाई जिसे एक बच्चे को अपने कब्जे में लेना है जो उसका बेटा होने का वादा दावा करता है। फिल्म में खान की प्रदर्शन ने अनुकूल आलोचनात्मक की समीक्षा अर्जित की। उन्होंने करण जौहर की निर्देशन में बनी पहली फिल्म कुछ कुछ होता है मैं एक विस्तारित कैमियो को भी किया था और जिसने उन्हें आलोचनात्मक की प्रशंसा और सहायक की अभिनेता श्रेणी के तहत 2 फिल्म फेयर पुरस्कार अर्जित किया। 1999 में खान ने 3 फिल्मों में अभिनय किया हम साथ साथ हैं बीवी नंबर 1 हम और हम दिल दे चुके सनम में ऐत्रेय राय और अजय देवगन के साथ जिसने उन्हें फिल्म फेयर पुरस्कार में एक और अभिनेता का नामांकन दिलाया। फिल्म में उनकी प्रदर्शन की सकारात्मक की समीक्षा की गई जिसमें रेडिप की शर्मिला तेलीकुब ने कहा सलमान प्यारी है वह नाट की दोस्तियों में हैम करते हैं लेकिन कॉमेडी और उन रोमांटिक दोस्तियों को करने में बहुत सहज दिखती है। 2001 में खान चोरी चोरी चुपके चुपके में दिखाई दिए जिसने सरोगेट बच्चे की जन्म के कुछ मूछों की संबोधित किया। इसमें खान ने एक अमीर उद्योगपति की भूमिका निभाई जो अपनी पत्नी की बाज हो जाने के बाद सरोगेट माँ को काम पर रखता है। रेडिप की सुकन्या वर्मा ने लिखा है कि फिल्म की कहानी बेतुकी है लेकिन इसमें कलाकारों की सहज प्रदर्शन भी है इससे कि इसकी अन्य खामियों को कम करने में मदद मिली है। 2002 में उन्होंने हम तुम्हारे हैं सनम में अभिनय किया तेरे नाम 2003 के लिए तरन आदर्श ने उनके बारे में कहा सलमान खान एक ऐसी भूमिका में असाधारण है जो उन्हें टी के लिए उपयुक्त बनाती है वह दूसरों में आग की सांस लेती है जो बेचैनी की मांग करते हैं लेकिन कठिन बाहरी के नीचे एक कमजोर रहती है और यह पहलू अंतर है कि बाद की रीलों में विशेष रूप से सामने आता है उनकी भावनात्मक की विस्फोट। शानदार है निर्देशन की सतीश कौशिक ने फिल्म में खान के काम को मजबूत माना इसके बारे में कहा सलमान ने फिल्म में शानदार प्रदर्शन किया है कि उन्होंने एक त्रिव की अपरंगात की प्रदर्शन दिया मेरा मानना है कि यह सलमान की करियर का अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन है उनका करियर मुझसे शादी करोगी और ना एंटी जैसी कॉमेडी के साथ आगे बढ़ा। खान ने 2007 की शुरुआती कलाकारों को टुकड़ी की फिल्म सलाम ए इश्क की ही वह अमेरिकी अभिनेत्री ऑली लटर के साथ हॉलीवुड फिल्म की मैरी गोल में दिखाई दी। फिल्म में एक
फिल्म में एक भारतीय पुरुष और एक अमेरिकी महिला की प्रेम कहानी बताई गई थी। खान ने 2009 के दौरान गेम शो 10 दम के दूसरे सीजन की मेजबानी की। बीज एशिया यूके की 2008 की एक रिपोर्ट के अनुसार इस शो ने सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन के लिए भारतीय टेलीविजन रेटिंग में अपना तीसरा स्थान हासिल करने के लिए प्रपात लक्ष्य रेटिंग अंक TRP अर्जित किए और यह कोरियोग्राफर से निर्देशन बने प्रभु देवा की द्वारा निर्देशित वांटेड में दिखाई दिए। फिल्म को मित्रित की समीक्षाएं मिली। बॉलीवुड हंगामा के दौरान आर्दश ने इसे 5 में से 4 रेटिंग दी। वांटेड सलमान खान की स्टार पावर पर सवारी करते हैं। वह शहर में सबसे अच्छा अभिनेता नहीं हो सकता, लेकिन वांटेड जैसी फिल्म में एक ऐसी भूमिका जो उसकी व्यक्तित्व के विस्तार की तरह लगती है। आप इस भूमिका को फलने फूलने के लिए किसी और के बारे में नहीं सोच सकते हैं। खान को मजा आ रहा होगा, लेकिन तथ्य यह है कि वांटेड जैसी फिल्म इस बात को रेखांकित करती है कि बॉलीवुड को किस तरह युवा की प्रमुख की पुरुषों की नस्ल की जरूरत है। वह उस वर्ष 2 अन्य फिल्मों में और मिसेज खाना और लंदन ड्रीमर्स में दिखाई दिए कि खान की 2010 की पहली रिलीज अनिल शर्मा की फिल्म वीर थी। अपनी अगली फिल्म दबंग में खान ने फिल्म में हास्य की प्रभाव के साथ एक निडर पुलिस वाले की भूमिका निभाई। इकोनॉमिक्स की टाइम्स ने फिल्म को निर्जीवता पर उच्चारण और कथाना की और विश्वसनीयता के मामले में पूर्ण असंगति होने के बावजूद अपनी व्यवसायी की सफलता के उल्लेखनीय बताया कि टाइम्स ने उद्योग को भी नोट किया। विशेषज्ञों ने फिल्म की लोकप्रियता का श्रेय खान की उपस्थिति को देते हुए कहा कि वे इसकी ऑक्शन का श्रेय सलमान खान की स्टार करिश्मे को देती है, जो चुलबुले पांडे की अंतिम सीन्स की अभिव्यक्ति को बेलगाम उत्साह और जोश के साथ निभाते में कामयाब रहे हैं। और दबंग ने संपूर्ण की मनोरंजन प्रदान करने वाली लोकप्रिय फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की सहित कई पुरस्कार जीते। इसे बाद में तमिल और तेलुगु में बनाया गया था। फिल्म का निर्माण उनकी भाई अरबाज खान ने किया था। हिंदुस्तान टाइम्स के द्वारा रिपोर्ट किया गया था कि फिल्म पूरे देश में खचाखच की भरी हुई थी। खान को उनके प्रदर्शन के लिए अभिनेता के लिए स्टार स्क्रीन अवार्ड और स्टार ऑफ द ईयर मेल के लिए स्टार डस्ट अवार्ड मिला। उन्हें अभिनेता के लिए उनकी 6वें फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए भी नामांकित किया गया। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड की सुपरस्टार सलमान खान की करियर की सबसे बड़ी मूवी जिसका नाम है किसी का भाई किसी का जान। तो दोस्तों, अगर आप भी सलमान खान के फैन हो और अगर आप किसी का भाई किसी की जान मूवी को देखना चाहते हो और साथ ही साथ इस मूवी को बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को जानना चाहते हो तो इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना नाम भी ना भूलिएगा। किसी का भाई किसी की जान अनुवाद किसी का भाई किसी का प्रेम जिसे प्रभामिंग कैया के नाम से भी जाना जाता है फराज सामजी की द्वारा निर्देशित और सलमान खान फिल्म की द्वारा निर्मित 2023 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है। फिल्म में सलमान खान पूजा हेगड़े वेंकटेश और जगपति बाबू ने सहायक कलाकारों को टुकड़ी के साथ अभिनय किया। यह फिल्म तमिल फिल्म वीरम 2014 की रीमेक है और किसी का भाई किसी की जान की सलमान खान के लिए और देवटंडी के लिए और कुछ प्राण सिंह की किसी का भाई किसी की जान की 21 अप्रैल 2023 को ईद की त्यौहार के मौके पर नाटकीय रूप से रिलीज हुई। फिल्म को समीक्षकों से मिश्रित समीक्षाएं मिली। किसी का भाई किसी की जान ने दुनिया भर में 60 से 47 करोड़ से अधिक की कमाई की है, जो 2023 में एक हिंदी फिल्म की द्वारा 4थी सबसे कमाई है। इस खंड की विस्तार की जरूरत है, आप इसे जोड़कर मदद कर सकती है। भाई जान एक आत्मरक्षा परिचय है जो अपने भाइयों के साथ खुशी से रहता है और किसी के साथ विवादों को निपटाने
निपटाने के लिए हिस्सा का उपयोग करता है, लेकिन अपनी तेलुगु आधारित प्रेमिका की भाग्य लक्ष्मी के लिए अपने तरीके सुधारने का फैसला करता है। हालांकि भाईजान को पता चलता है कि भाग्य लक्ष्मी का परिवार राउडी अना के साथ अपने पिछले प्रतिद्वंदी के कारण मुश्किल में है और उनकी जानकारी बिना उनकी रक्षा करने के लिए निकल पड़ता है। निर्देशन की फरहान खान ने और अवतार के लिए ही समझे सामजी ने शुरुआत में 2014 की तमिल फिल्म वीरम को अक्षय कुमार के साथ बचपन की पांडे पहले ही टाइटल लैंड ऑफ लुंगी के रूप में रीमेक करने की मांग की थी। हालांकि बाद में उन्होंने बचपन पांडे की पटकथा को बदलकर एक और तमिल फिल्म जिगर ठंडा का रीमेक बनाया, जैसा कि नडियाडवाला ग्रेडेशन एंटरटेनमेंट की पास दोनों फिल्मों की रीमेक अधिकार थे। सामजी ने वीरम की कहानी को बदल दिया और सलमान खान को खड़ा कर दिया, जिन्होंने फिल्म को स्वीकार कर लिया। बाद में नडियाडवाला की परियोजना से बाहर चले गए और खान को अधिकार दे दिए, जिन्होंने फिर अपने बैनर सलमान खान फिल्म्स के तहत फिल्म बनाने का फैसला किया। फिल्म की घोषणा 10 जनवरी 2020 को कभी ईद कभी दिवाली शीर्षक के साथ की गई थी। हालांकि बाद में इसे लंबे समय के लिए स्थगित कर दिया गया था और 19 महामारी के कारण कई प्री प्रोडक्शन देरी का सामना करना पड़ा और बाद में इसे कथित शीर्षक की भाईजान के साथ पुनर्जीवित किया गया कि हालांकि अगस्त 2022 में फिल्म की आधिकारिक का शीर्षक की घोषणा किसी का भाई किसी के जान के रूप में भी की गई थी। फरवरी 2020 में की गई थी कि किसी का भाई पूजा हेगेंडी और वास की पूजा हेगेंडी को महिला प्रधान के रूप में साइन किया गया था। दिसंबर 2021 में वेक्टेंस की कलाकारों में शामिल हो गए। उन्होंने तकदीरवाला 1995 के बाद हिंदी सिनेमा में वापसी की फिल्म में खान की भाइयों की भूमिका निभाने के लिए जसली की गिल सिद्धार्थ निगम और राघवा जुयाल को लिया गया था। पंजाबी सिनेमा अभिनेत्री शहनाज गिल, दक्षिण भारतीय सिनेमा अभिनेत्री मालविका शर्मा, नौसिखिया पलक तिवारी और मुक्केबाज की राजनीति की विजेंद्र सिंह को साइन किया गया, जिसने फिल्म के साथ अपनी हिंदी फिल्म की शुरुआत की। जगपति बाबू को एक महत्वपूर्ण की भूमिका निभाने के लिए साइन किया गया था। आसिफ शेख को प्रमुख की भूमिका निभाने के लिए साइन किया गया था। रामचरण को एक विशेष उपस्थिति के लिए चुना गया था। प्रधान फोटोग्राफी 12 मई 2022 को मुंबई में शुरू हुई, बाद में जून में प्रोडक्शन हैदराबाद चला गया। अगस्त 2022 में लचाक में कुछ हिस्सों के साथ एक गाना फिल्माया गया था। फरवरी 2023 में फिल्म की शूटिंग पूरी कर ली गई थी। फिल्म का टीचर लिंक और 2023 के लिए ही फिल्म का टीचर 25 जनवरी 2023 को पठान के साथ रिलीज किया गया था। फिल्म का आधिकारिक का ट्रेलर 10 अप्रैल 2023 को जारी किया गया था। फिल्म को ईद की मौके पर 21 अप्रैल 2023 को नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था। फिल्म को दुनिया भर में 57 स्क्रीनों पर रिलीज किया गया, जिसमें भारत में 4500 स्क्रीन और विदेशी बाजार में 1200 स्क्रीन शामिल है। आलोचनात्मक की स्वीकारता, बॉलीवुड हंगामा ने फिल्म को 5 में से 35 रेटिंग दी और लिखा किसी का भाई किसी की जान सलमान खान की प्रशंसकों के लिए एक आदर्श की ईद उपहार है। फर्स्ट पोस्ट की गणेश की आगलवेन की आगलवे ने फिल्म को 5 में से 35 रेटिंग दी और लिखा कि सलमान खान दमदार सवालों और बड़े पैमाने पर एक्शन दृश्यों को संयोजन के साथ स्वेग और अंतिम उपस्थिति के साथ हमेशा स्क्रीन पर राज करता है। डीएन नए इंडिया के सिमरन सिंह ने फिल्म को 5 में से 3 रेटिंग दी और लिखा किसी का भाई किसी की जान एक सच्ची कहानी, बलू सलमान खान की फिल्म एक पूर्ण परिवार की मनोरंजन फिल्म की जिसकी उनकी प्रशंसकों ने कई वर्षों उम्मीद की थी। एक्शन ड्रामा रोमांस और कॉमेडी जो सलमान खान की फिल्मों को पैटर्न है, विशेष रूप से सलमान खान की एंट्री और वेक्टिस की लड़ाई और रामचरण का कैमियो उसी देखने की लायक बनता है।
है। द टाइम्स ऑफ इंडिया की रौनक कोटेजा ने फिल्म को 25 रेट किया। 5 में से और लिखा कि यह सलमान खान स्टार एक बार फिर अपने कट्टर प्रशंसकों के लिए गैलरी में खेलती है। यह क्रूर हिस्सा और ढेर सारे ड्रामा के साथ एक लार्जर देन लाइफ एक्शन है। स्क्राइनल की इन दोनों की हालांकि द वर्ल्ड की स्क्राइन इन ने लिखा कि प्रसार में सलमान खान की फिल्म के सभी विशिष्ट तत्व शामिल हैं, लेकिन उनकी पिछली कुछ फिल्मों की तुलना में आधी की विवेक प्रून की मात्रा में। द इंडियन एक्सप्रेस की शुभा गुप्ता ने लिखा, हर सलमान खान का थका हुआ अकलपति की समामेलन की संस्करण। NDTV की सैबल चटर्जी ने विशाल अनुपात का उपहास लिखा था कि सुकन्या वर्मा ने फिल्म को 5 में से 1 रेटिंग दी है और लिखा, सलमान खान अपनी फार्मूले की रट में इतने गहरे हैं कि उन्हें पता है कि कुछ और बंक करना है। मोनिका रावत हिंदुस्तान टाइम्स की कुकरेजा ने लिखा, जोरदार और संवेदनहीन की सलमान खान का किंग पेस्ट का आपको कहता है कि इसे रोको भाईजान। द हिंदू की विशाल की शिलाजीत की मित्रा ने लिखा कि कष्टप्रद उदासीन और अपने लुप्त पुत होते कि सुपरस्टार के लिए खाली सतोर्त से भरा हुआ किसी का भाई किसी का जाते अपने पहले दिन भारत में 1581 करोड़ मिलियन और विदेशों में 957 करोड़ मिलियन की कमाई की और 25 से 38 करोड़ मिलियन की कमाई की। 22 अप्रैल 2023 तक फिल्म ने भारत में 39 से 38 करोड़ की कमाई मिलियन की और विदेशों में 199 करोड़ मिलियन की कमाई की और दुनिया भर में 60 से 47 करोड़ मिलियन का सकल संग्रह किया। सलमान खान की पटकथा और लेखन सलीम खान और उनकी पहली पत्नी सुशीला चरक से बड़े बेटे हैं जिन्होंने सलमा नाम अपनाया था। 27 दिसंबर 1965 को एक मुस्लिम पिता और हिंदू माँ से जन्म खान का पालन पोषण दोनों धर्मों में हुआ। 1981 में जब सलीम ने अभिनेत्री हेलेन से शादी की तो उनके पिता के साथ बच्चों को संबंध शत्रुतापूर्ण हो गए और केवल वर्षों बाद ठीक हो गए। माना जाता है कि सलमान खान के दादा दादी अफगानिस्तान की अलाकोजई पश्तून थे जो 1800 के दशक की मध्य में इंदौर इंदौर रेजिडेंसी की अब मध्य प्रदेश में ब्रिटिश भारत में आकार बस गए थे। हालांकि जसीम खान ने अभिनेता की अपनी जीवनी में कहा है कि उनके पूर्व उत्तर पश्चिम सीमांत के प्रांत ब्रिटिश भारत वर्तमान में खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान की स्वात घाटी में मलाकंद से यूसुफ अजय पश्तूने की अहुजाए उप की जनजाति के थे। उनके दादा अब्दुल रशीद खान इंदौर रजय की एक की उप की महानिरीक्षक थे जिन्हें होलकर की टाइम्स के दले जंग के पुरस्कार थे सम्मानित किया गया था कि खान की मां एक गृहिणी है जिनके पिता बलदेव सिंह चरक एक डोगरा राजपूत जम्मू और कश्मीर में जम्मू से आते और जिनकी मराठी महाराष्ट्र से आती है। खान की हिंदी और अंग्रेजी के अलावा मराठी भी बोल सकते हैं। उनके दो भाई हैं अरबाज खान और सुहेल खान और दो बहनें अलवीरा खान अग्निहोत्री जिनकी शादी अभिनेता निर्देशन अतुल अग्निहोत्री से हुई है और एक दर्द बहन की अप्रीता। सलमान ने अपने छोटे भाइयों अरबाज और सुहेल की तरह मुंबई की ब्रांडों में स्टेट की स्टेटिनिस्लास की हाई स्कूल में अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की। पहले उन्होंने अपने छोटे भाई अरबाज के साथ कुछ वर्षों तक ग्वालियर सिंधिया स्कूल में अध्ययन किया। उन्होंने मुंबई स्टेट की जेवी वर्ष कॉलेज में पढ़ाई की लेकिन पढ़ाई छोड़ दी। शुरुआत और सफलता खान ने अभिनय की शुरुआत की 1988 की फिल्म बीवी हो तो ऐसी की जिसमें उन्होंने एक सहायक की भूमिका निभाई।
उन्होंने सूरज आर बरजातिया की रोमांटिक परिवारिक ड्रामा मैंने प्यार किया 1979 में मुख्य भूमिका निभाई, जो उस समय की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों से एक बन गई। इससे उन्हें ही 37 पुरुष की पदार्पण के लिए नामांकन के साथ फिल्म फेयर में अभिनेता के लिए अपना पहला नामांकन अर्जित किया। मैंने प्यार किया को अंग्रेजी में वह लॉकलॉस की स्पेनिश में तो ओमो और तेलुगु में प्रेमा पौरालू के रूप में डब किया गया था। 1990 में खान बागी अभिनीत एक फिल्म रिलीज हुई जो बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। इसके बाद 1991 में 3 मामूली सफल फिल्में आई, पत्थर के फूल, सनम बेवफा, लव और कुर्बान। उसी वर्ष खान ने रोमांटिक ड्रामा साजन संजय की दर्द और माधुरी त्रिजीत के साथ सह कलाकार के रूप में काम किया। 1992 में वह सूर्यवंशी, जगृति के नीचे और एक लड़का एक लड़की में दिखाई दिए। यह वर्ष उनके लिए सफल वर्ष नहीं रहा क्योंकि चारों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर असफल रही। 1994 में खान राजकुमार संतोषी की अंदाज अपना अपना में आमिर खान के साथ दिखाई दी। अपनी रिलीज के समय फिल्म बॉक्स ऑफिस पर असफल रही, लेकिन वर्षों में इसने एक क्लट का दर्जा हासिल कर लिया। बाद के वर्षों में उन्होंने निर्देशन की सूरज बरजातिया के साथ रोमांस हम आपकी है कौन, सह कलाकार की माधुरी त्रिजीत। 1995 की पुरस्कारों की मौसम के दौरान फिल्म ने फिल्म की निर्देशन और अभिनेत्री के लिए 3 फिल्मफेयर पुरस्कार जीते। इसने वर्ष की सबसे लोकप्रिय फिल्म होने का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी जीता। दुनिया भर में 2 मिलियन से अधिक की कमाई करने वाली यह फिल्म साल की सबसे बड़ी बॉलीवुड हिट और तब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई। यह बॉक्स ऑफिस इंडिया के हिंदी सिनेमा में अब तक की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर की सूची में से एक है। बॉक्स ऑफिस इंडिया के अनुसार 2 से 6 में यह अब तक की चौथी सबसे अधिक कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म थी। 1995 में उन्होंने राकेश रोशन की करण अर्जुन में शाहरुख खान के साथ अभिनय किया। दो खेले गए भाई को जो परिवार के दुश्मनों के द्वारा मारे जाने के बाद पुनर्जन्म लेते हैं करण के रूप में उनकी भूमिका ने उन्हें 1995 की फिल्म फेयर अभिनेता पुरस्कार के लिए नामांकित किया। 1996 में खान ने संजय लीला भंसाली की पहली निर्देशन फिल्म खामोशी द म्यूजिकल में प्रदर्शन किया। वह और राज कंवर की एक्शन हिट जीत में भी दिखाई दिए। 1997 में उनकी 2 रिलीज हुई, जुड़िया और औजार, पहली देवी धवन की द्वारा निर्देशित एक कॉमेडी थी जिसमें उन्होंने जुड़वा बच्चों की दोहरी भूमिका निभाई थी जो जन्म के समय अलग हो गए थे। खान ने 1998 में 5 अलग अलग फिल्मों में काम किए। उनकी पहली रिलीज रोमांटिक कॉमेडी फिल्म प्यार किया तो डरना किया काजल के साथ थी जो उस साल की सबसे बड़ी व्यवसायी की सफलताओं में से एक थी। इसके बाद मखियम की रूप से सफल नाटक जब प्यार किसी से होता है आया जिसमें खान ने एक युवा की भूमिका निभाई जिसे एक बच्चे को अपने कब्जे में लेना है जो उसका बेटा होने का वादा दावा करता है। फिल्म में खान की प्रदर्शन ने अनुकूल आलोचनात्मक की समीक्षा अर्जित की। उन्होंने करण जौहर की निर्देशन में बने पहली फिल्म कुछ कुछ होता है मैं एक विस्तारित कैमियो को भी किया था और जिसने उन्हें आलोचनात्मक की प्रशंसा और सहायक की अभिनेता श्रेणी के तहत 2रा फिल्म फेयर पुरस्कार अर्जित किया। 1999 में खान ने 3 फिल्मों में अभिनय किया, हम साथ साथ हैं, बीवी नंबर 1 और हम दिल दे चुके सनम में ऐत्रेय राय और अजय देवगन के साथ, जिसने उन्हें फिल्म फेयर पुरस्कार में एक और अभिनेता का नामांकन दिलाया। फिल्म में उनकी प्रदर्शन की सकारात्मक की समीक्षा की गई जिसमें रेडिप की शर्मिला तेलीकुब ने कहा सलमान प्यारी है, वह नाटकी दृश्यों में हैम करते हैं लेकिन कॉमेडी और उन रोमांटिक दृश्यों को करने में बहुत सहज दिखती है। 2001 में खान चोरी चोरी चुपके चुपके में दिखाई दिए जिसने सरोगेट बच्चे की जन्म की कुछ मूछों के
मूंछों की संबोधित किया। इसमें खान ने एक अमीर उद्योगपति की भूमिका निभाई जो अपनी पत्नी की बाज हो जाने के बाद सरोगेट माँ को काम पर रखता है। रेडिप की सुकन्या वर्मा ने लिखा है कि फिल्म की कहानी बेतुकी है लेकिन इसमें कलाकारों की सहज प्रदर्शन भी है, इससे कि इसकी अन्य खामियों को कम करने में मदद मिली है। 2002 में उन्होंने हम तुम्हारे हैं सनम में अभिनय किया। तेरे नाम 2003 के लिए तरण आर्दश ने उनके बारे में कहा, सलमान खान एक ऐसी भूमिका में असाधारण है जो उन्हें टी के लिए उपयुक्त बनाती है। वह दूसरों में आग की सांस लेती है जो बेचैनी की मांग करते हैं लेकिन कठिन बाहरी के नीचे एक कमजोर रहती है। और यह पहलू अंतर है कि बाद की रीलों में विशेष रूप से सामने आता है उनकी भावनात्मक विस्फोट। शानदार है निर्देशन की सतीश कौशिक ने फिल्म में खान के कम को मजबूत माना। इसके बारे में कहा, सलमान ने फिल्म में शानदार प्रदर्शन किया है कि उन्होंने एक त्रिव की अपरंगात की प्रदर्शन दिया है। मेरा मानना है कि यह सलमान की करियर का अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन है। उनका करियर मुझसे शादी करोगी और ना एंटी जैसी कॉमेडी के साथ आगे बढ़ा। खान ने 2007 की शुरुआती कलाकारों को टुकड़े की फिल्म सलाम ए इश्क की ही वह अमेरिकी अभिनेत्री ऑली लटर के साथ हॉलीवुड फिल्म की मैरी गोल्ड में दिखाई दी। फिल्म में एक भारतीय पुरुष और एक अमेरिकी महिला की प्रेम कहानी बताई गई थी। खान ने 2009 के दौरान गेम शो 10 दम के दूसरे सीजन की मेजबानी की। बीज एशिया यूके की 2008 की एक रिपोर्ट के अनुसार इस शो ने सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन के लिए भारतीय टेलीविजन रेटिंग में अपना तीसरा स्थान हासिल करने के लिए प्रपात लक्ष्य रेटिंग अंक TRP अर्जित किए। और यह कोरियोग्राफर से निर्देशन बने प्रभु देवा की द्वारा निर्देशित वांटेड में दिखाई दिए। फिल्म को मित्रित की समीक्षाएं मिली। बॉलीवुड हंगामा के दौरान आर्दश ने इसे 5 में से 4 रेटिंग दी। वांटेड सलमान खान की स्टार पावर पर सवारी करते हैं। वह शहर में सबसे अच्छा अभिनेता नहीं हो सकता लेकिन वांटेड जैसी फिल्म में एक ऐसी भूमिका जो उसकी व्यक्तित्व के विस्तार की तरह लगती है। आप इस भूमिका को फलने फूलने के लिए किसी और के बारे में नहीं सोच सकते हैं। खान को मजा आ रहा होगा लेकिन तथ्य यह है कि वांटेड ऐसी फिल्म इस बात को रेखांकित करती है कि बॉलीवुड को किस तरह युवक की प्रमुख की पुरुषों की नस्ल की जरूरत है। वह उस वर्ष 2 अन्य फिल्मों में और मिसेज खाना और लंदन ड्रीमर्स में दिखाई दिए कि खान की 2010 की पहली रिलीज अनिल शर्मा की फिल्म वीर थी। अपनी अगली फिल्म दबंग में खान ने फिल्म में हास्य की प्रभाव के साथ एक निडर पुलिस वाले की भूमिका निभाई। इकोनॉमिक्स की टाइम्स ने फिल्म को निर्जीवता पर उच्चारण और कथाना की और विश्वसनीयता के मामले में पूर्ण असंगति होने के बावजूद अपनी व्यवसायी की सफलता के उल्लेखनीय बताया कि टाइम्स ने उद्योग को भी नोट किया। विशेषज्ञों ने फिल्म की लोकप्रियता का श्रेय खान की उपस्थिति को देते हुए कहा कि वे इसकी ऑक्शन का श्रेय सलमान खान की स्टार करिश्मे को देती है जो चुलबुले पांडे की अंतिम सीन्स की अभिव्यक्ति को बेलगाम उत्साह और जोश के साथ निभाती में कामयाब रहे हैं। और दबंग ने संपूर्ण की मनोरंजन प्रदान करने वाली लोकप्रिय फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की सहित कई पुरस्कार जीते। इसे बाद में तमिल और तेलुगु में बनाया गया था। फिल्म का निर्माण उनकी भाई अरबाज खान ने किया था। हिंदुस्तान टाइम्स के द्वारा रिपोर्ट किया गया था कि फिल्म पूरे देश में खचाखच की भरी हुई थी। खान को उनके प्रदर्शन के लिए अभिनेता के लिए स्टार स्क्रीन अवार्ड और स्टार ऑफ द ईयर मेल के लिए स्टार डस्ट अवार्ड मिला। उन्हें अभिनेता के लिए उनकी 6वें फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए भी नामांकित किया गया। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड की सुपर स्टार सलमान खान की करियर की सबसे बड़ी मूवी जिसका नाम है किसी का भाई किसी का जान। तो दोस्तों, अगर आप भी सलमान खान के फैन हो और अगर आप किसी का भाई किसी की जान मूवी को देखना चाहते हो और साथ ही साथ इस मूवी को बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को जानना चाहते हो तो इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना नाम भी ना भूलिएगा
किसी का भाई किसी की जान, अनुवाद किसी का भाई किसी का प्रेम, जिसे प्रभामिंग कैया के नाम से भी जाना जाता है। फराज सामजी की द्वारा निर्देशित और सलमान खान फिल्म की द्वारा निर्मित 2023 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है। फिल्म में सलमान खान, पूजा हेगड़े, वेंकटेश और जगपति बाबू ने सहायक कलाकारों को टुकड़ी के साथ अभिनय किया। यह फिल्म तमिल फिल्म वीरम 2014 की रीमेक है और किसी का भाई किसी की जान की सलमान खान के लिए ही और डेटनी के लिए और कुछ प्राण सिंह की किसी का भाई किसी की जान की 21 अप्रैल 2023 को ईद की त्यौहार के मौके पर नाटकीय रूप से रिलीज हुई। फिल्म को समीक्षकों से मिश्रित समीक्षाएं मिली। किसी का भाई किसी की जान ने दुनिया भर में 60 से 47 करोड़ से अधिक की कमाई की है, जो 2023 में एक हिंदी फिल्म की द्वारा चौथी सबसे कमाई है। इस खंड की विस्तार की जरूरत है, आप इसे जोड़कर मदद कर सकती है। भाई जान एक आत्मरक्षा परिचय है जो अपने भाइयों के साथ खुशी से रहता है और किसी के साथ विवादों को निपटाने के लिए हिस्सा का उपयोग करता है, लेकिन अपनी तेलुगु आधारित प्रेमिका की भाग्य लक्ष्मी के लिए अपने तरीके सुधारने का फैसला करता है। हालांकि भाईजान को पता चलता है कि भाग्य लक्ष्मी का परिवार राउडी आना के साथ अपने पिछले प्रतिद्वंदी के कारण मुश्किल में है और उनकी जानकारी बिना उनकी रक्षा करने के लिए निकल पड़ता है। निर्देशन की फरहान खान ने और अवतार के लिए ही समझे सामजी ने शुरुआत में 2014 की तमिल फिल्म वीरम को अक्षय कुमार के साथ बचपन के पांडे पहले ही टाइटल लैंड ऑफ लुंगी के रूप में रीमेक करने की मांग की थी। हालांकि बाद में उन्होंने बचपन पांडे की पटकथा को बदलकर एक और तमिल फिल्म जिगर ठंडा का रीमेक बनाया, जैसा कि नडियाडवाला ग्रेडेशन एंटरटेनमेंट के पास दोनों फिल्मों की रीमेक अधिकार थे। सामजी ने वीरम की कहानी को बदल दिया और सलमान खान को खड़ा कर दिया, जिन्होंने फिल्म को स्वीकार कर लिया। बाद में नडियाडवाला की परियोजना से बाहर चले गए और खान को अधिकार दे दिए, जिन्होंने फिर अपने बैनर सलमान खान फिल्म्स के तहत फिल्म बनाने का फैसला किया। फिल्म की घोषणा 10 जनवरी 2020 को कभी ईद कभी दिवाली शीर्षक के साथ की गई थी। हालांकि बाद में इसे लंबे समय के लिए स्थगित कर दिया गया था और 19 महामारी के कारण कई प्री प्रोडक्शन देरी का सामना करना पड़ा और बाद में इसे कथित सिंसा की भाईजान के साथ पुनर्जीवित किया गया कि हालांकि अगस्त 2022 में फिल्म की आधिकारिक का सिंसा की घोषणा किसी का भाई किसी के जान के रूप में भी की गई थी। फरवरी 2020 में की गई थी कि किसी का भाई पूजा हेगड़े और वास की पूजा हेगड़े को महिला प्रधान के रूप में साइन किया गया था। दिसंबर 2021 में वेंकटेश की कलाकारों में शामिल हो गए। उन्होंने तकदीरवाला 1995 के बाद हिंदी सिनेमा में वापसी की फिल्म में खान की भाइयों की भूमिका निभाने के लिए जसली की गिल, सिद्धार्थ निगम और राघव जुयाल को लिया गया था। पंजाबी सिनेमा अभिनेत्री शहनाज गिल, दक्षिण भारतीय सिनेमा अभिनेत्री मालविका शर्मा, नौसिखिया पलक तिवारी और मुक्केबाज की राजनीति की विजेंद्र सिंह को साइन किया गया, जिसने फिल्म के साथ अपनी हिंदी फिल्म की शुरुआत की। जगपति बाबू को एक महत्वपूर्ण की भूमिका निभाने के लिए साइन किया गया था। आसिफ शेख को प्रमुख की भूमिका निभाने के लिए साइन किया गया था। रामचरण को एक विशेष उपस्थिति के लिए चुना गया था। प्रधान फोटोग्राफी 12 मई 2022 को मुंबई में शुरू हुई। बाद में जून में प्रोडक्शन हैदराबाद चला गया। अगस्त 2022 में लचाक में कुछ हिस्सों के साथ एक गाना फिल्माया गया था। फरवरी 2023 में फिल्म की शूटिंग पूरी कर ली गई थी। फिल्म का टीचर लिंक और 2023 के लिए ही
फिल्म का टीजर 25 जनवरी 2023 को पठान के साथ रिलीज किया गया था। फिल्म का आधिकारिक का ट्रेलर 10 अप्रैल 2023 को जारी किया गया था। फिल्म को ईद की मौके पर 21 अप्रैल 2023 को नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था। फिल्म को दुनिया भर में 57 स्क्रीनों पर रिलीज किया गया, जिसमें भारत में 4500 स्क्रीन और विदेशी बाजार में 1200 स्क्रीन शामिल है। आलोचनात्मक की स्वीकारता, बॉलीवुड हंगामा ने फिल्म को 5 में से 35 रेटिंग दी और लिखा किसी का भाई किसी की जान सलमान खान की प्रशंसकों के लिए एक आदर्श की ईद उपहार है। फर्स्ट पोस्ट की गणेश की आग लवे ने फिल्म को 5 में से 35 रेटिंग दी और लिखा कि सलमान खान दमदार सवालों और बड़े पैमाने पर एक्शन दृश्यों को संयोजन के साथ स्वेग और अंतिम उपस्थिति के साथ हमेशा स्क्रीन पर राज करता है। डीएन नए इंडिया की सिमरन सिंह ने फिल्म को 5 में से 3 रेटिंग दी और लिखा किसी का भाई किसी की जान एक सच्ची कहानी बलू सलमान खान की फिल्म एक पूर्ण परिवारी की मनोरंजन फिल्म की जिसकी उनकी प्रशंसकों ने कई वर्षों उम्मीद की थी। एक्शन ड्रामा रोमांस और कॉमेडी जो सलमान खान की फिल्मों को पैटर्न है, विशेष रूप से सलमान खान की एंट्री और वेंकटेश की लड़ाई और रामचरण का कैमियो उसी देखने की लायक बनता है। द टाइम्स ऑफ इंडिया की रौनक कोटेजा ने फिल्म को 25 रेट किया 5 में से और लिखा कि यह सलमान खान स्टार एक बार फिर अपने कट्टर प्रशंसकों के लिए गैलरी में खेलती है। यह क्रूर हिस्सा और ढेर सारे ड्रामा के साथ एक लार्जर देन लाइफ एक्शन है। स्क्राइनल की इन दोनों की हालांकि द वर्ल्ड की स्क्राइन इन ने लिखा कि प्रसार में सलमान खान की फिल्म के सभी विशिष्ट तत्व शामिल हैं, लेकिन उनकी पिछली कुछ फिल्मों की तुलना में आधी की विवेक प्रून की मात्रा में। द इंडियन एक्सप्रेस की शुभा गुप्ता ने लिखा हर सलमान खान का थका हुआ अकलपति की सामान समामेलन की संस्करण। NDTV की सैबल चटर्जी ने विशाल अनुपात का उपहास लिखा था कि सुकन्या वर्मा ने फिल्म को 5 में से 1 रेटिंग दी है और लिखा सलमान खान अपनी फार्मूले की रट में इतने गहरे हैं कि उन्हें पता है कि कुछ और बंक करना है। मोनिका रावत हिंदुस्तान टाइम्स की कुकरेजा ने लिखा जोरदार और संवेदनहीन की सलमान खान का किंग पेस्ट का आपको कहता है कि इसे रोको भाईजान। द हिंदू की विशाल की शिलाजीत की मित्रा ने लिखा कि कष्टप्रद उदासीन और अपनी लुप्त पुत होते कि सुपर स्टार के लिए खाली सतुर्थ से भरा हुआ किसी का भाई किसी का जाते अपने पहले दिन भारत में 15 से 81 करोड़ मिलियन और विदेशों में 9 से 57 करोड़ मिलियन की